हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम इंडियन मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है टॉपिक वाइज। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किया है ये सारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मिडिवल हिस्ट्री से, जितना मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उससे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे कोई भी एग्जाम्स में। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who was the first ruler of slave dynasty? Slave dynasty यानी कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव डायनेस्टी का यानी कि गुलाम वंश का पहला शासक था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। वेयर डिड द ट्रेवलर इबन बतूता केम फ्रॉम? इबन बतूता जो ट्रेवलर था वो कहाँ से भारत आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरक्को। मोरक्को से जो है इबन बतूता भारत आया था। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो उस समय मुहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था जब इबन बतूता भारत आया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। हु एबोलिश्ड एकता सिस्टम? एकता सिस्टम को किसने एबोलिश किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो एकता सिस्टम को खत्म कर दिया था। और एकता सिस्टम लाया किसने था? तो एकता सिस्टम इल्तुतमिश ने लाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, लाया इल्तुतमिश ने था और इसको खत्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम। मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन? मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो किस चीज में काफी माहिर था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलीग्राफी। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो कैलीग्राफी में काफी माहिर था। कैलीग्राफी का मतलब होता है हस्तलिपि, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को कैलीग्राफी कहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इसमें काफी माहिर था। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं हम। द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज सिकंदर सानी द सेकेंड अलेक्जेंडर, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपने आप को ये बोला था कि मैं सिकंदर सानी हूँ यानी कि सेकेंड अलेक्जेंडर हूँ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को जो है सिकंदर सानी डिस्क्राइब किया था यानी कि सेकेंड अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं हम। द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सल्तनत वाज क्रिएटेड बाय, सबसे बड़ा जो है आर्मी सल्तनत में किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सल्तनत का सबसे लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं हम। इबन बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, इबन बतूता जो है वो भारत आया था वो किसके शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इबन बतूता भारत आया था। और इबन बतूता कहाँ से भारत आया था? तो मोरक्को से आया था, ये मैंने आपको भी कवर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं हम। द कुतुब मीनार वाज कम्प्लीटेड बाई द फेमस रूलर, कुतुब मीनार जो है वो किसके द्वारा कम्प्लीट कराया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो कुतुब मीनार कम्प्लीट कराया गया था। और कुतुब मीनार बनाने का न्यू किसने रखा था? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने न्यू रखा था लेकिन ये कम्प्लीट नहीं कर पाया था, इसकी डेथ हो गई थी। तो इल्तुतमिश जो था उसने जो है वो कम्प्लीट कराया था कुतुब मीनार को। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं हम। द लोदी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, लोदी वंश जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने जो है लोदी वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, इनमें से कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर कर ली थी? देवगिरी को दौलताबाद भी कहा जाता था। तो क्वेश्चन में दौलताबाद भी हो सकता है तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर ली थी या दौलताबाद शिफ्ट कर ली थी। और ये किस कारण से किया था इसने? तो मंगोल का खतरा था, मंगोल अटैक का, इसलिए इसने अपनी राजधानी जो है वो देवगिरी शिफ्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही लिव्ड इन द पीरियड ऑफ, ये जो अहमद सरहिंदी था ये तारीख मुबारक शाही का ऑथर था, ये किसके पीरियड में रहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सैयद। सैयद वंश के समय जो है ये अहमद सरहिंदी रहा था और इसने जो है तारीख मुबारक शाही जो है पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। अमीर खुसरो वाज ए फेमस कोर्ट पोएट ऑफ, अमीर खुसरो जो था वो किसका दरबारी कवि था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम।
हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए कंटेम्पररी ऑफ चंगेज खान, चंगेज खान का समकालीन जो इनमें से कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो चंगेज खान का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म, कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान है जिसे बाजार नियंत्रण तंत्र को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जो है बाजार नियंत्रण तंत्र को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। इसने क्या किया था कि मार्केट को काफी कंट्रोल किया था और मार्केट में चीजों की प्राइस को भी ये कंट्रोल किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। हु वाज द ऑथर ऑफ तारिके अलाई, तारिके अलाई का ऑथर जो है वो कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है वो ऑथर है तारिके अलाई का, और अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री कमांडर हु हैज एनेक्स्ड बिहार एंड बंगाल, कौन सा ऐसा पहला मुस्लिम मिलिट्री कमांडर था जिसने बिहार और बंगाल को एनेक्स किया था, यानी उस पर कब्जा किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था वो पहला ऐसा मिलिट्री कमांडर था जो बिहार और बंगाल को कब्जा किया था, और बख्तियार खिलजी जो था वो किसका मिलिट्री कमांडर था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का मिलिट्री कमांडर था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। विच सुल्तान वॉज एडवाइज बाई काजी मुगीसुद्दीन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ शरीयत बट द सुल्तान रिजेक्टेड हिज एडवाइस, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसे एडवाइस दिया था काजी मुगीसुद्दीन ने कि आप जो है लॉ ऑफ शरीयत के अनुसार चलिए, लेकिन सुल्तान ने क्या किया था उसको रिजेक्ट कर दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को काजी मुगीसुद्दीन जो था इसने एडवाइस दिया था कि आप लॉ ऑफ शरीयत के अनुसार चलिए, लेकिन सुल्तान ने जो है इसे रिजेक्ट कर दिया था इसके एडवाइस को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। द रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दीवाने कोही, कौन सा ऐसा शासक था जिसने पहली बार ये एस्टैब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मंत्रालय, जिसे क्या कहा जाता था? दीवाने कोही कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मंत्रालय जो है एस्टैब्लिश किया था, जिसे दीवाने कोही कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। इन द दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट परगना वाज हेडेड बाई, दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी कि जो प्रशासनिक इकाई थी उसे परगना कहा जाता था, तो किसके द्वारा हेड किया जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आमिल। आमिल के द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को हेड किया जाता था और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को परगना कहा जाता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। हु अपॉइंटेड इबन बतूता एज चीफ काजी ऑफ दिल्ली, किसने जो है इबन बतूता को चीफ काजी जो है नियुक्त किया था दिल्ली का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इबन बतूता को चीफ काजी नियुक्त किया था दिल्ली का, और इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में आया था, और ये कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है अभी, लेकिन मैं आपको रिवाइज कराता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। मलिक काफूर वाज हू जनरल, मलिक काफूर जो था वो किसका जनरल था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जनरल यानी कि सेनापति जो था वो मलिक काफूर था, और मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? स्लेव था। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। इन मिडाइवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जीतल रेफर टू, मध्यकालीन भारत में जीतल का मतलब क्या होता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्वाइन, सिक्के को जो है वो जीतल कहते थे मध्यकालीन भारत में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा खिर्ज खान। खिर्ज खान जो थे वो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे यानी कि संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मेजर फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट, दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने काफी उपाय किए थे ताकि जो क्वालिटी है फ्रूट्स का यानी कि फल का उसे इम्प्रूव कर दिया जाए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो काफी उपाय किए थे ताकि जो क्वालिटी है फ्रूट्स का उसको इम्प्रूव किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। विच डायनेस्टी रूल ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर, तैमूर के आक्रमण के बाद कौन सा वंश जो है इंडिया पे रूल किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सैयद डायनेस्टी। तैमूर के आक्रमण के बाद जो वंश रूल किया था इंडिया पे वो था सैयद डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसके कोर्ट में सबसे ज्यादा स्लेव्स थे?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में सबसे ज्यादा स्लेव्स थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड। कौन सा ऐसा सुल्तान था जो अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था वो अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट देता था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेंशन। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अटैक किया था देवगिरी पे, तो उस समय वहां का रूलर कौन था देवगिरी का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो थे वो रूलर थे, शासक थे देवगिरी के, जब अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पे अटैक किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने वहां अटैक करके काफी सारा धन लूटा था, और उसके बाद ही ये जो है दिल्ली का सुल्तान बना था जलाउद्दीन खिलजी को मार के। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज नोन एज लाख बक्स गिवर ऑफ लाख्स। कौन सा ऐसा सुल्तान था दिल्ली का जिसे लाख बक्स के नाम से जाना जाता था, मतलब कि लाखों का वो गिफ्ट दे देता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो लाख बक्स के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हम। तैमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तैमूर जो है भारत पे आक्रमण किया था, उस समय भारत पे किसका शासन काल था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक का शासन काल था जब तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था, और इसके बाद ही जो है तुगलक डायनेस्टी खत्म हो गई थी और सैयद डायनेस्टी जो है उसकी स्थापना हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हम। विच सुल्तान बिल्ड द फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने पांचवी मंजिल बनाया था कुतुब मीनार का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो पांचवा मंजिल जो है कुतुब मीनार का बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। हु वाज द फर्स्ट वोमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत का पहला वोमेन रूलर कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो पहली वोमेन रूलर थी मध्यकालीन भारत की। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हम। द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ। जौनपुर सिटी जो है वो किसके मेमोरी में उसकी स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के मेमोरी में जो है जौनपुर सिटी की स्थापना की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछे कि किसके मेमोरी में ये की गई थी तो मोहम्मद बिन तुगलक होगा, और अगर ये पूछे कि किसने करवाई थी तो ये फिरोज शाह तुगलक होगा, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हम। अमीर खुसरो द पैरोट ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न एट। अमीर खुसरो को ही जो है पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, कहाँ जन्म लिए थे ये? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पटियाली। पटियाली में जो है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, और ये पटियाली कहाँ पे है, किस स्टेट में? तो उत्तर प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के थे, ये मैंने कवर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हम। द दिल्ली सुल्तान हु रोट हिज मेमोरियल। कौन सा ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसने अपनी जीवनी जो है वो खुद लिखी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपनी जीवनी खुद लिखी थी, और फिरोज शाह तुगलक ने जो अपनी जीवनी लिखी थी यानी कि जो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था उसका नाम क्या था? तो वो था फुतुहाते फिरोज शाही। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसका जो अपना जीवनी का नाम था फुतुहाते फिरोज शाही। और तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है? तो ये लिखा है जियाउद्दीन बरनी ने। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। फुतुहाते फिरोज शाही जो है वो लिखा है फिरोज शाह तुगलक ने, एफ इधर भी आ रहा है एफ इधर भी आ रहा है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। और तारीख़ फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हम। क्वाइंस ऑफ विच मुस्लिम रूलर बिन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। कौन से मुस्लिम रूलर के सिक्कों पे जो है देवी लक्ष्मी का इमेज था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पे जो है वो देवी लक्ष्मी का इमेज था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हम। हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय इलियट एज द अकबर ऑफ सल्तनत। इलियट ने जो है किसको बोला है अकबर ऑफ सल्तनत, सल्तनत काल का अकबर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को जो है इलियट ने बोला है अकबर ऑफ सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हम। विच पोएट वॉज एडॉर्न विद द टाइटल तूतीय हिंदुस्तान। कौन से पोएट को जो है तूतीय हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को जो है तूतीय हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, और तूतीय हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? पैरोट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हम। व्हेन डिड बख्तियार खिलजी इन्वेड बंगाल एंड बिहार। बंगाल और बिहार पे बख्तियार खिलजी ने कब अटैक किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
1206 एडी 1206 एडी में जो है बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पे अटैक किया था। और बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और एक चीज इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हम, विच सुल्तान डाइड वाइल्ड प्लेइंग चौगान पोलो, कौन सा ऐसा सुल्तान था जो मर गया था चौगान खेलते हुए। चौगान का मतलब होता है पोलो खेलते हुए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ऐसा सुल्तान था जो चौगान खेलते हुए मर गया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हम, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ देनी सल्तनत, देनी सल्तनत के तुगलक डायनेस्टी का अंतिम रूलर कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महमूद शाह तुगलक। महमूद शाह तुगलक जो था वो तुगलक डायनेस्टी का, तुगलक वंश का सबसे अंतिम रूलर था, और इसके बाद जो है सैयद डायनेस्टी की स्थापना हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज पोयम विद द नेम गुलरुखी, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने काफी सारे पोयम कंपोज किए हैं गुलरुखी के नाम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है बहुत सारे पोयम कंपोज किए हैं किसके नाम से, गुलरुखी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हम, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली फाउंडेड एंड बिल्ड द फोर्ट ऑफ सीरी, कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने बिल्ड किया था फोर्ट ऑफ सीरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो फोर्ट ऑफ सीरी को बिल्ड किया था, और ये फोर्ट ऑफ सीरी कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हम, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, आगरा शहर का जो है स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है वो आगरा सिटी का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हम, विच मुस्लिम रूलर प्लेड होली फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने होली पहली बार खेला था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने पहली बार होली खेला था। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हम, एट द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक डेथ इंतुतमिश वाज द सूबेदार ऑफ, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हो गया था पोलो खेलते हुए चौगान खेलते हुए, तब इंतुतमिश जो था वो कहाँ का सूबेदार था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बदायूं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हो गया था उस समय इंतुतमिश जो था वो बदायूं का सूबेदार था, और बदायूं कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यूपी में। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने ये पॉलिसी लाया था रक्त और लोहे का, मतलब ब्लड एंड आयरन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन। बलबन जो था ऐसा रूलर था जिसने ये पॉलिसी लाया था ब्लड एंड आयरन का। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इम्पोज जजिया ऑन द ब्राह्मण ऑल्सो, कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसने जजिया जो है वो ब्राह्मण्स पे भी इम्पोज किया था। जजिया क्या था, जजिया एक तरह का टैक्स था जो नॉन मुस्लिम लोग थे उन पे लगाया जाता था। तो ये कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मण्स पे भी ये टैक्स जो है वो लगा दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ऐसा सुल्तान था दिल्ली का जिसने जजिया जो है ब्राह्मण्स पे भी लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वाज नेम्ड एज खिरजाबाद ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड में कौन सा ऐसा जगह है जिसका नाम खिरजाबाद जो है वो हो गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तौर। चित्तौर का नाम जो है वो खिरजाबाद हो गया था दिल्ली सल्तनत पीरियड में। इसमें हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो चित्तौर की राजधानी मेवाड़ पे अटैक किया था, और वहाँ के राजा जो है रतन सिंह थे उस समय, और उसको ये कब्जा कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसके बाद जो है चित्तौर का नाम इसने चेंज करके खिरजाबाद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ब्रॉट द अशोकन पिलर टू दिल्ली, इनमें से कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने अशोक के पिलर को दिल्ली में लाया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो अशोक के पिलर को दिल्ली लाया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर ने 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, और किसके साथ लड़ी थी, तो इब्राहिम लोदी के साथ, और इब्राहिम लोदी जो था उस समय दिल्ली पे शासन कर रहा था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, और 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल डायनेस्टी यानी कि मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हम, वेयर डिड बाबर डाई, बाबर जो है कहाँ पे मरा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आगरा। बाबर की मृत्यु जो है वो आगरा में हुई थी, लेकिन बाबर का जो टॉम्ब है मतलब उसका जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो वो काबुल में है। ये ध्यान रखिएगा कि मृत्यु आगरा में हुई थी लेकिन उसका मकबरा जो है वो काबुल में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ एन ए अकबरी, एन ए अकबरी का ऑथर कौन है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अबुल फजल। अबुल फजल जो है वो एन ए अकबरी का ऑथर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। द मोती मस्जिद इन आगरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। मोती मस्जिद जो है वो कहाँ पे है? आगरा में है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में मोती मस्जिद जो है आगरा में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी वॉज। मुगल वंश का सबसे अंतिम रूलर कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल वंश के सबसे अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पहला जो बैटल हुआ था पानीपत का, उसमें बाबर ने किसको हराया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था और इसके बाद ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी दिल्ली में। और ये जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा डेट को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। हु क्रिएटेड द राग मियाँ की मल्हार। किसने ये राग बनाया था मियाँ की मल्हार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तानसेन। तानसेन ने जो है ये राग बनाया था मियाँ की मल्हार। और तानसेन जो है किसके दरबार में था? तो ये अकबर के दरबार में था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम वन ऑफ द माइन्स इन। जो फेमस कोहिनूर हीरा था वो कहाँ से प्रोड्यूस किया गया था, किस माइन से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोलकोंडा। गोलकोंडा के माइन से जो है कोहिनूर डायमंड को प्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। ए फेमस जैन स्कॉलर हु वाज ग्रेटली ऑनर्ड बाय अकबर वाज। कौन सा ऐसा जैन स्कॉलर था जिसे अकबर ने ऑनर किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरिविजय। हरिविजय जो थे वो एक फेमस जैन स्कॉलर थे जिन्हें अकबर ने ऑनर किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। Which one is not situated at Fatehpur Sikri? इनमें से ऐसा कौन है जो फतेहपुर सिकरी में सिचुएटेड नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोती मस्जिद। मोती मस्जिद जो है वो फतेहपुर सिकरी में नहीं है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये आगरा में सिचुएटेड है। और ये जो बाकी तीन है पंचमहल, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती और मरियम पैलेस, ये तीनों जो है वो फतेहपुर सिकरी में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर वाज। मतलब तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या था जो एक म्यूजिशियन था कहाँ पे? अकबर के दरबार में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रामतनु पांडे। रामतनु पांडे जो था तानसेन का ओरिजिनल नेम था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। दीन इलाही रिलीजन वॉज इंट्रोड्यूस बाई। दीन इलाही रिलीजन जो है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। अकबर के द्वारा जो है दीन इलाही रिलीजन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और दीन इलाही रिलीजन में क्या था कि अलग अलग धर्म से जो विशेषताएं थी, जो अच्छी चीजें थी, उसको मिलाकर एक धर्म बनाया गया था जिसे ही दीन इलाही कहा जाता था। और दीन इलाही को मानने वाला पहला जो था वो कौन था? वो बीरबल था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट। इनमें से कौन राजा था जो अनपढ़ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। अकबर जो था वो इलिटरेट था यानी कि अनपढ़ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ मुगल पीरियड वाज। भारत का पहला हिंदी विद्वान जो था मुगल पीरियड में वो कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम जो थे वो पहला भारतीय हिंदी विद्वान थे मुगल पीरियड में, तो ये ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। मुगल पेंटिंग फ्लोरिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। मुगल जो पेंटिंग है वो कब फ्लोरिश किया, किसके शासनकाल में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल पेंटिंग जो है वो काफी फ्लोरिश किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर रीजन वाज इन हैंड ऑफ। रेवेन्यू सिस्टम जो था यानी कि राजस्व प्रणाली जो थी अकबर के शासनकाल में किनके हाथों में थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टोडरमल। टोडरमल के हाथों में जो है वो राजस्व प्रणाली यानी कि रेवेन्यू सिस्टम था अकबर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर अकॉर्डिंग टू अबुल फजल वाज एक्सीलेंट इन ड्राइंग ऑफ फीचर। इनमें से कौन सा ऐसा मुगल पेंटर था अबुल फजल के द्वारा जो एक्सीलेंट था ड्राइंग ऑफ फीचर्स में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बसावन। बसावन जो था वो सबसे फेमस पेंटर था अबुल फजल के द्वारा मुगल पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। दारा सिको फाइनली लॉस्ट द वार ऑफ सक्सेशन टू औरंगजेब इन द बैटल ऑफ। दारा सिको और औरंगजेब के बीच में वार हुआ था गद्दी के लिए, जिसमें दारा सिको जो है वो हार गए थे, तो वो बैटल कौन सा था?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सामूगढ़। बैटल ऑफ सामूगढ़ जो हुआ था दारा शिको और औरंगजेब के बीच में हुआ था, जिसमें दारा शिको हार गया था और औरंगजेब ने जो है उसके बाद गद्दी हासिल कर ली थी। और दारा शिको और औरंगजेब जो थे ये दोनों क्या थे, भाई थे, ब्रदर थे। और बैटल ऑफ सामूगढ़ जो है वो 1658 में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज ए कंटेम्पररी ऑफ अकबर, इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जो अकबर का समकालीन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो थी वो अकबर के समकालीन थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। तुजुके जहांगीरी वाज रिटन बाई, तुजुके जहांगीरी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर के द्वारा ही तुजुके जहांगीरी जो है वो लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। मुंतखाव उत तवारिक वाज रिटन बाई, मुंतखाव उत तवारिक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बदायूनी। बदायूनी के द्वारा जो है मुंतखाव उत तवारिक जो है वो लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। बिटवीन हुम द बैटल ऑफ चौसा फाउट, बैटल ऑफ चौसा जो है वो किन किन के बीच में जो है लड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में बैटल ऑफ चौसा फाउट किया गया था और ये बैटल 1539 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और चौसा कहाँ है, तो ये बक्सर में है, और बक्सर कहाँ है, ये बिहार स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। तुलसीदास कंपोज रामचरितमानस इन द रीजन ऑफ, तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है वो कंपोज किया था किसके शासनकाल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर। अकबर के शासनकाल में जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस को कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। एट द टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक दिल्ली द मुगल एम्परर वाज, जब नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक किया था तो उस समय मुगल एम्परर कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था उस समय मुगल एम्परर था जब नादिर शाह ने अटैक किया था दिल्ली में। और नादिर शाह ने दिल्ली पर कब अटैक किया था, तो ये 1739 ईस्वी में किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। मुगल डायनेस्टी वास्तु बहादुर शाह जफर एज लोधी डायनेस्टी वास्तु, मुगल डायनेस्टी से अगर बहादुर शाह जफर है तो लोधी डायनेस्टी से कौन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुगल डायनेस्टी का लास्ट जो किंग था वो कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। उसी तरह लोधी डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो थे वो लोधी डायनेस्टी के सबसे अंतिम राजा थे और इन्हीं को हराया था बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो 1526 में फाउट हुआ था। और इसके बाद ही बाबर ने जो है दिल्ली पे मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 वाज फाउट बिटवीन, बैटल ऑफ जो खानवा हुआ था 1527 ईस्वी में वो किसके बीच में लड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बाबर एंड राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच में बैटल ऑफ खानवा हुआ था जो 1527 में हुआ था, जिसमें जो है राणा सांगा हार गए थे। और राणा सांगा जो थे ये कहाँ के राजा थे, तो ये मेवाड़ के राजा थे, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। पंचमहल इन फतेहपुर सिकरी वाज कंस्ट्रक्टेड बाई, पंचमहल जो है फतेहपुर सिकरी में वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। अकबर के द्वारा जो है ये पंचमहल बनवाया गया था जो फतेहपुर सिकरी में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू तमिल टेरिटरी इन साउथ अंडर द रीजन ऑफ, तो मुगल एम्पायर था वो तमिल टेरिटरी तक जो है फैला हुआ था, तो वो जो है वो किसके शासन काल में जो है ये फैला हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। औरंगजेब के शासन काल में मुगल एम्पायर जो है वो तमिल तक फैला हुआ था साउथ में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। ड्यूरिंग मुगल एम्पायर विच प्रोविंस वाज लॉस्ट इन 1622, रिकवर्ड इन 1638 एंड फाइनली लॉस्ट इन 1649, मुगल एम्पायर में कौन सा ऐसा प्रांत था जो 1622 ईस्वी में लॉस्ट हुआ, फिर रिकवर किया गया 1638 ईस्वी में, और ये फिर जो है फाइनली लॉस्ट हो गया 1649 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कांधार। कांधार जो प्रांत था वो 1622 ईस्वी में लॉस्ट हुआ था, फिर रिकवर कर लिया गया था 1638 ईस्वी में, लेकिन ये फाइनली फिर लॉस्ट हो गया था 1649 में, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857, द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857 बुक का ऑथर जो है वो कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विलियम डेलरिम्पल। विलियम डेलरिम्पल जो थे वो ऑथर हैं द लास्ट मुगल बुक के। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। हु बिल्ट इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी, किसने जो है इबादत खाना बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर।
अकबर ने जो है वो इबादत खाना बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। और ये किस ईयर में बनवाया था, तो ये 1575 ईस्वी में बनवाया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इबादत खाना में क्या होता था, तो यहाँ पे रिलीजियस डिस्कशन होता था, यानी कि धार्मिक डिस्कशन यहाँ पे होता था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। व्हाट वेयर द अहदीस ऑफ अकबर्स टाइम, अकबर के समय में अहदीस किसे कहते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फुट सोल्डर इन आर्मी, जो पैदल सैनिक होते थे आर्मी में उसे जो है अहदीस कहा जाता था अकबर के समय में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। हु हैड इशूड द क्वाइन रूपी फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने जो है क्वाइन रूपी फर्स्ट टाइम इशू किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने जो है वो क्वाइन रूपी पहली बार इशू किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। हजरते आला वाज द टाइटल ऑफ, हजरते आला जो है वो किसका टाइटल था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का ये टाइटल था हजरते आला। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। व्हेन डिड हुमायूं फर्स्ट अटैक चुनार फोर्ट, हुमायूं ने पहली बार चुनार फोर्ट पे कब अटैक किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1532 एडी, 1532 एडी में हुमायूं ने जो है फर्स्ट अटैक किया था चुनार फोर्ट पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। अकबर मर्ज बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर इन, अकबर ने जो है बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1576 एडी, 1576 एडी में जो है अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम। इतिमाद उद दौला टॉम एट आगरा वॉज बिल्ड बाई, इतिमाद उद दौला टॉम जो है मकबरा आगरा में सिचुएटेड है और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नूर जहां। ये जो इतिमाद उद दौला मकबरा है वो आगरा में है और ये नूर जहां के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल वाज, मुमताज महल का ओरिजिनल नेम जो था वो क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुमन बानो बेगम, अर्जुमन बानो बेगम जो था वो मुमताज महल का ओरिजिनल नेम था। और मुमताज महल किसकी वाइफ थी, तो ये शाहजहां की वाइफ थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। द फर्स्ट इंग्लिश पर्सन हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर वाज, कौन सा ऐसा पहला अंग्रेज आदमी था जिसने अकबर के दरबार में विजिट किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राल्फ फिच, राल्फ फिच जो था वो पहला इंग्लिश पर्सन था जो अकबर के दरबार में विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर इन मुगल पीरियड, मुगल शासन काल में किसे जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब, औरंगजेब को जो है वो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। विच बिल्डिंग बिल्ट बाय अकबर वाज डिजाइंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट बिहारा, कौन सा ऐसा बिल्डिंग है जो अकबर के द्वारा बनवाया गया है और वो बुद्धिस्ट बिहारा के सिद्धांतों पे बनवाया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचमहल, पंचमहल जो है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था और ये जो है किसके सिद्धांतों पे बनवाया गया है, तो बुद्धिस्ट बिहारा के सिद्धांत पे बनाया गया है। और बुद्धिस्ट बिहारा क्या होता है, तो जहाँ पे बौद्ध जो मॉन्क होते हैं वो रहते हैं उसे ही बिहारा कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो इसी के जो है सिद्धांतों पे अकबर ने पंचमहल को बनवाया था। और पंचमहल कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये फतेहपुर सिकरी में सिचुएटेड है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम। विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सूले कुल, कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जिसने ये पॉलिसी लाया था सूले कुल का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर, अकबर ने ये पॉलिसी लाया था सुलह कुल का। और इसका मतलब क्या होता था, यूनिवर्सल पीस, मतलब कि विश्व शांति। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम। हु हैड द क्रेडिट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला, लाल किला के बनवाने के लिए किसको क्रेडिट जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां, शाहजहां ने जो है वो लाल किला बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम। जजिया वाज रीइम्पोज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, जजिया जो है वो दोबारा लगा दिया गया था किसके शासनकाल में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब, औरंगजेब के शासनकाल में जो है जजिया कर फिर से लगा दिया गया था। और जजिया क्या था, तो एक तरह का टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम थे वो पे करते थे ये। और जजिया कर हटाया किसके द्वारा गया था, तो अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था, ठीक, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन जब औरंगजेब जो है राजा बना तो औरंगजेब ने इसे दोबारा लगा दिया था जजिया कर को। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह, शेरशाह का मकबरा जो है वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सासाराम, सासाराम में जो है शेरशाह का मकबरा है। और सासाराम कहाँ पे है, तो ये बिहार स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। द फर्स्ट मार्टिमोनियल अलायंस विथ राजपूत वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर विथ, पहला जो मार्टिमोनियल अलायंस था यानी अकबर ने जो पहला शादी किया था राजपूत से, वो कौन से राजपूत से किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कछवाहा, कछवाहा जो राजपूत वंश था उससे पहला जो है अकबर ने शादी किया था।
और उस राजपूत प्रिंसेस का नाम क्या था, हरकाबाई था। बाद में उनका नाम चेंज हो गया था, मरियम उज जमानी हो गया था। और ये जो थी राजा भरमल जो अंबर के राजा थे उनकी बेटी थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम। टू स्टेट्स विच औरंगजेब हैड कंकर्ड इन डेक्कन वेयर, कौन सा ऐसा दो राज्य था जो औरंगजेब ने जीत लिया था डेक्कन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजापुर एंड गोलकोंडा। बीजापुर और गोलकोंडा को जो है औरंगजेब ने जीत लिया था डेक्कन में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम। द उपनिषद वेयर ट्रांसलेटेड इन टू पर्सियन बाय दारा सिको वेयर द टाइटल, उपनिषद को जो है वो पर्सियन में ट्रांसलेट किया गया था दारा सिको के द्वारा, और दारा सिको कौन था, ये औरंगजेब का भाई था। तो उसका जो है टाइटल क्या दिया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिरे अकबर। उसका जो टाइटल दिया गया था वो सिरे अकबर दिया गया था, जो उपनिषद को ट्रांसलेट किया गया था पर्सियन में। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम। द मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर वाज, कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जिसने सबसे ज्यादा हिंदू ऑफिसर्स को नियुक्त किया हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब जो था ऐसा मुगल एम्परर था जिसने सबसे ज्यादा हिंदू ऑफिसर्स को नियुक्त किया हुआ था, मतलब कि औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू ऑफिसर्स थे। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम। हु बिल्ड टॉम्ब ऑफ हर एम्परर हस्बैंड, किसने जो है अपने एम्परर हस्बैंड का टॉम्ब जो है मकबरा बनवाया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने हस्बैंड हुमायूं का मकबरा बनवाया था, और ये हुमायूं टॉम के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये दिल्ली में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम। द टॉम्ब ऑफ बाबर इज लोकेटेड एट, बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काबुल। बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में लोकेटेड है, और बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो आगरा में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, मैंने कवर कर दिया है इसको, आपको रिवाइज करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम। द टॉम्ब ऑफ जहांगीर इज लोकेटेड एट, जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर। लाहौर में जो है वो जहांगीर का मकबरा लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम। द टॉम्ब ऑफ अकबर इज लोकेटेड एट, अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकंदरा। सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा लोकेटेड है, और सिकंदरा कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। द टॉम्ब ऑफ शाहजहां इज लोकेटेड एट, शाहजहां का मकबरा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आगरा। आगरा में जो है वो शाहजहां का मकबरा लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम। हु वाज द डॉटर ऑफ एम्परर औरंगजेब, औरंगजेब के डॉटर का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेबुनिसा। जेबुनिसा जो थी वो औरंगजेब की बेटी थी, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम। द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको वाज, कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जिसने तंबाकू के यूज पे जो है रोक लगा दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब जो था ऐसा मुगल एम्परर था जिसने तंबाकू के यूज पे रोक लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम। हु रोट अकबरनामा, अकबरनामा जो है वो किसने लिखा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने जो है वो अकबरनामा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम। ड्यूरिंग द मुगल रूल द कॉपर क्वाइन वॉज नोन एज, मुगल शासन काल में कॉपर के जो सिक्के बने होते थे यानी कि तांबे के, उसे क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डैम। उन्हें जो है डैम कहा जाता था जो तांबे के सिक्के होते थे मुगल शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम। व्हाट वाज डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल प्रशासन में डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकार। मुगल प्रशासन में जो है डिस्ट्रिक्ट को यानी कि जिले को सरकार कहा जाता था, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम। द हिस्टोरियन अबुल फजल वाज किल्ड बाई, जो इतिहासकार था अबुल फजल उसको किसने मारा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बीर सिंहदेव बुंदेला। बीर सिंहदेव बुंदेला ने जो है इतिहासकार अबुल फजल को मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम। मनसबदारी सिस्टम इन मुगल पीरियड वाज इंट्रोड्यूस बाई, मनसबदारी सिस्टम जो है मुगल शासन काल में वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी सिस्टम जो है मुगल शासन काल में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये 1571 में किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम। हु वाज सिख गुरु टू बी स्लॉटर्ड बाय औरंगजेब, सिख के ऐसे कौन से गुरु थे जिसको औरंगजेब ने स्लॉटर्ड करवा दिया था, मतलब मार दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब ने स्लॉटर करवा दिया था, और ये कब करवाया था, तो 1675 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा डेट। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम। हु वाज द मुगल एम्परर टू हैव लिफ्टेड द जजिया ऑन हिंदू, कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था
जिसने जजिया कर जो है उसको हटा दिया था हिंदू पर से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने जो है जजिया कर हिंदू से हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जो है इसे वापस रीइंपोज कर दिया था, यानी कि दोबारा जजिया कर जो है वो हिंदू पे लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम। काबुलियत एंड पट्टा वाज इंट्रोड्यूस बाई, काबुलियत और पट्टा जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा जो है काबुलियत और पट्टा जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। और ये काबुलियत और पट्टा क्या था? तो ये एक तरह का लैंड मेजरमेंट सिस्टम था, ठीक, भूमि का जो नाप करते थे उसका एक तरह का सिस्टम था ये। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम। हु रोट हुमायूं नामा, हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने जो है वो हुमायूं नामा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम। हू वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, यानी कि गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इसे जो है बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता था मुगल पीरियड में, जिसका मतलब होता था गेट ऑफ मक्का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरत। सूरत को जो है बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता था, यानी कि गेट ऑफ मक्का। और सूरत जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम। हु रोट बादशाह नामा, बादशाह नामा जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी ने जो है बादशाह नामा लिखा था। और ये बादशाह नामा किससे रिलेटेड था? तो ये शाहजहां से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम। अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन, अकबर जो है अपना रिलीजियस डिस्कशन, धार्मिक डिस्कशन जो है वो कहाँ पे करवाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इबादत खाना। इबादत खाना में जो है अकबर रिलीजियस डिस्कशन करवाता था, यानी कि धार्मिक डिस्कशन करवाता था, और वहाँ पे जो है सभी धर्म के विद्वान रहते थे। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम। बाबर एज्यूम द टाइटल ऑफ बादशाह फर्स्ट एट, बाबर ने बादशाह का टाइटल पहली बार कहाँ पे लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काबुल। काबुल में जो है बाबर ने बादशाह का टाइटल लिया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम। द फेमस डायमंड कोहिनूर वाज प्रेजेंटेड टू शाहजहां बाई, जो फेमस डायमंड था कोहिनूर वो शाहजहां को किसने प्रेजेंट किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर जुमला। मीर जुमला ने जो है शाहजहां को कोहिनूर डायमंड प्रेजेंट किया था। और ये किसने किया था? तो मीर जुमला चाहता था कि जो शाहजहां है वो गोलकोंडा पे अटैक करे, और इसीलिए जो है मीर जुमला ने कोहिनूर डायमंड प्रेजेंट किया था शाहजहां को। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम ए मेंबर ऑफ दीन ए इलाही, इनमें से कौन ऐसा है जो मेंबर था दीन ए इलाही का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा बीरबल। बीरबल जो था वो दीन ए इलाही का मेंबर था, बाकी तानसेन, राजा मानसिंह और टोडरमल ये दीन ए इलाही के मेंबर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम। मुगल एम्परर जहांगीर गेव द टाइटल इंग्लिश खान टू, मुगल एम्परर जहांगीर ने जो है इंग्लिश खान का टाइटल किसे दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को जो है वो जहांगीर ने इंग्लिश खान का टाइटल दिया था। और विलियम हॉकिंस जो था भारत में 1608 ईस्वी में आया था, और ये एक जहाज से आया था, उस जहाज का नाम क्या था? हेक्टर था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे लैंड किया था? तो ये सूरत में लैंड किया था। हु फाउंडेड विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिहर एंड बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन, विजयनगर एम्पायर की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1336। 1336 ईस्वी में विजयनगर एम्पायर की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। और विजयनगर एम्पायर जो था वो कहाँ पे था? तो ये साउथ इंडिया में था, दक्षिण भारत का ये एक साम्राज्य था विजयनगर एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली का सुल्तान था जब विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। हरिहर एंड बुक्का बिलोंग टू द डायनेस्टी ऑफ, हरिहर और बुक्का जो थे वो किस वंश से बिलोंग करते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संगम। संगम वंश से जो है हरिहर और बुक्का जो है बिलोंग करते थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। व्हेन बाबर इन्वेडेड इंडिया हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय विजयनगर एम्पायर का रूलर कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण देव राय। श्री कृष्ण देव राय जो थे वो शासक थे विजयनगर एम्पायर के, जब बाबर ने इंडिया पे अटैक किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। व्हेन राजा वोडेयार फाउंडेड मैसूर किंगडम हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर,
जब राजा ओडियार ने मैसूर किंगडम की स्थापना की थी तो उस समय विजयनगर का रूलर कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वेंकटा टू। वेंकटा टू जो थे वो रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, जब राजा ओडियार ने मैसूर किंगडम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। विजयनगर एंड बहमनी सुल्तान फाउट फ्रीक्वेंटली फॉर कंट्रोल ओवर। विजयनगर और बहमनी सुल्तान के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी, वो किसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा लड़ते रहते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रायचूर द्वाब। रायचूर द्वाब को कंट्रोल करने के लिए विजयनगर और बहमनी सुल्तान में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। और ये जो रायचूर द्वाब था ये कहाँ पे था? तो कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच में था, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। और द्वाब क्या होता है? तो द्वाब जो है दो रिवर के बीच का जो फर्टाइल जमीन होता है उसे ही द्वाब कहा जाता है। तो रायचूर द्वाब जो था वो कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच में था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। द पर्सियन एम्बेसडर हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर इन 1443 वाज। कौन सा पर्सियन राजदूत था जो विजयनगर एम्पायर जो है विजिट किया था 1443 ईस्वी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो था ये एक पर्सियन एम्बेसडर था और ये विजयनगर एम्पायर 1443 में विजिट किया था। और उस समय जो थे विजयनगर एम्पायर के शासक कौन थे? तो वो थे देवराय टू। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि देवराय टू के शासनकाल में अब्दुल रजाक जो पर्सियन एम्बेसडर था विजिट किया था विजयनगर एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ तुल्लुक डायनेस्टी। तुल्लुक डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण देव राय। श्री कृष्ण देव राय जो थे वो तुल्लुक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और तुल्लुक डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर थे ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ श्री कृष्ण देव राय। श्री कृष्ण देव राय का शासन का जो पीरियड था वो क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1509 से 1529। 1509 एडी से लेके 1529 एडी तक श्री कृष्ण देव राय का रूल का पीरियड था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। द विजयनगर रूलर हु मेड ट्रीटी विद पोर्टुग्यूज। कौन सा ऐसा विजयनगर का शासक था जिसने पोर्टुग्यूज के साथ जो है वो ट्रीटी किया था, संधि किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण देव राय। श्री कृष्ण देव राय जो थे वो पोर्टुग्यूज के साथ संधि किए थे। और जब कृष्ण देव राय पोर्टुग्यूज के साथ संधि कर रहे थे तो उस समय जो गवर्नर था पोर्टुग्यूज का वो कौन था? अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क उस समय गवर्नर था और श्री कृष्ण देव राय ने पोर्टुग्यूज को परमिशन दिया था वटकल में फोर्ट बनाने के लिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक फोर्ट बनाने के लिए जो है परमिशन दिया था श्री कृष्ण देव राय ने पोर्टुग्यूज को, और वो कहाँ पे था फोर्ट? तो वटकल में था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। द बीजापुर सुल्तान हु वाज डिफीटेड बाय कृष्ण देव राय एट रायचूर। कौन सा बीजापुर का सुल्तान था जिसको कृष्ण देव राय ने हराया था रायचूर में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह जो था बीजापुर का सुल्तान था जिसे कृष्ण देव राय ने हराया था, कहाँ पे? रायचूर में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। अमुक्त मालदेह वाज रिटन बाय। अमुक्त मालदेह जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण देव राय। अमुक्त मालदेह जो था वो श्री कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया था, और ये किस भाषा में था? तो ये तेलुगु भाषा में था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। अष्ट दिग्गज वेयर फ्लोरिश इन द कोर्ट ऑफ। अष्ट दिग्गज जो थे वो किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण देव राय। श्री कृष्ण देव राय के दरबार में जो थे वो अष्ट दिग्गज थे, और अष्ट दिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि थे, तेलुगु लिटरेचर के, तेलुगु साहित्य के ये 8 तेलुगु पोएट थे, और इन्हीं को जो है अष्ट दिग्गज कहा जाता था, और ये श्री कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। तालिकोटा वार बिटवीन विजयनगर एंड डेक्कन सुल्तान्स टुक प्लेस इन। तालिकोटा का वार हुआ था विजयनगर एम्पायर में और डेक्कन का जो सुल्तान थे उनमें, तो ये कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1565। 1565 ईस्वी में जो है तालिकोटा का वार हुआ था विजयनगर एम्पायर में और डेक्कन सुल्तान्स में, जिसमें जो है डेक्कन सुल्तान जीत गए थे और विजयनगर एम्पायर जो है हार गया था। और तालिकोटा वार के समय कौन रूलर था विजयनगर एम्पायर का? तो वो थे सदाशिव राय। सदाशिव राय जो थे वो रूलर थे, लेकिन ये एक पपेट रूलर थे, इनका ज़्यादा चलता नहीं था। एक मिनिस्टर था जिसका नाम था राम राय, और इन्होंने ही जो है तालिकोटा का वार किया था डेक्कन सुल्तान्स के साथ, लेकिन ये राम राय जो थे ये हार गए थे। तो इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि आपको लगेगा कि रूलर ही जो था वही जाके वार लड़ा होगा, लेकिन नहीं, रूलर जो थे सदाशिव राय थे, लेकिन जो वार लड़ा था वो राम राय लड़े थे। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम।
द विजयनगर रूलर हु वाज डिफीटेड इन तालिकोटा वार। तालिकोटा वार में विजयनगर का कौन सा शासक जो है वो हारा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राम राय। अभी मैंने आपको बताया राम राय जो है वो लड़े थे विजयनगर एम्पायर की तरफ से और ये हार गए थे। और इनका हारने का कारण क्या था? तो जितने भी मुस्लिम शासक थे डेक्कन में वो सब एक साथ हो गए थे और इसी वजह से जो है राम राय जो है वो हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड विजयनगर एम्पायर। इनमें से कौन से ऐसे वंश है जो विजयनगर एम्पायर पे रूल किए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव। ये जो चारों वंश थे संगम, सुलुब, तुलुब और अरावीदु, ये चारों वंश जो हैं विजयनगर एम्पायर पे रूल किए थे। इसको आप सीरीज से याद रखिएगा। तो सीरीज के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, SST A। SST होता है ना सोशल स्टडीज, आप पढ़े होंगे, तो सोशल स्टडीज में आपको ए ग्रेड नंबर आया है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो एस से आपका संगम हो जाएगा, दूसरा एस से हो जाएगा सुलुब, टी से टुलुब और ए से अरावीदु। तो ये चारों आपको सीरीज से याद रहेगा। संगम को आप याद रखिएगा कि पहला डायनेस्टी जो था वो संगम था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ संगम डायनेस्टी। संगम वंश का शासन का जो पीरियड था वो क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1336 से 1485। 1336 ईस्वी से लेके 1485 ईस्वी तक जो है संगम वंश का जो था रूल का पीरियड था। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। Who was the successor of हरिहर वन। हरिहर वन का सक्सेसर कौन था, मतलब हरिहर वन के बाद कौन राजा बना था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बुक्का राय वन। बुक्का राय वन जो थे वो हरिहर वन के बाद राजा बने थे, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हम। देव राय टू वॉज ऑल्सो नोन एज। देव राय टू को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रौड देव राय। प्रौड देव राय के नाम से देव राय टू को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हम। What was the period of rule of सुलुब dynasty? सुलुब dynasty का जो period था rule का वो कब से कब तक था? तो इसका answer होगा option A, 1486 से लेके 1505, मतलब 1486 से लेके 1505 ईस्वी तक जो है सुलुब dynasty का rule था, कहाँ पे? विजयनगर empire पे। Question number 22 देखते हैं हम। सुलुब नरसिम्हा ascended the throne in। सुलुब नरसिम्हा जो था वो गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1486। 1486 ईस्वी में सुलुब नरसिम्हा जो था वो गद्दी पे बैठा था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ तुलुब डायनेस्टी। तुलुब डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलुब नरस नायक। तुलुब नरस नायक जो था वो तुलुब डायनेस्टी का संस्थापक था, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हम। When did कृष्णदेवराय made alliance with Portuguese? कब जो है कृष्णदेवराय ने पोर्टुग्यूज के साथ अलायंस यानी कि संधि किए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1510। 1510 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने पोर्टुग्यूज यानी कि पुर्तगालियों के साथ संधि किया था और इन्हें जो है परमिशन दिया था एक फोर्ट बनाने के लिए। और वो कहाँ पे दिया था बनाने के लिए फोर्ट? तो वो था भटकल में। मैंने ये कवर कर दिया है, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ आपको। और उस समय पोर्टुग्यूज का गवर्नर कौन था? तो वो था अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। हु रोट मनुचरित्र। मनुचरित्र जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्लासानी पेदन्ना। अल्लासानी पेदन्ना ने जो है वो मनुचरित्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय श्री कृष्ण देव राय इन संस्कृत। इनमें से कौन सा श्री कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया है संस्कृत भाषा में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उषा परिनायम। उषा परिनायम जो है वो श्री कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया था संस्कृत भाषा में, ये ध्यान रखिएगा। और जो अमुक्त मालदेह जो था वो भी श्री कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया था, लेकिन वो तेलुगु भाषा में लिखा गया था। तो दोनों को ध्यान रखिएगा भाषा को। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। हु वाज द सक्सेसर ऑफ श्री कृष्ण देव राय। श्री कृष्ण देव राय का सक्सेसर यानी कि श्री कृष्ण देव राय के बाद कौन राजा बना था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अच्युता राय। अच्युता राय जो थे वो श्री कृष्ण देव राय के बाद राजा बने थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ श्री कृष्ण देव राय। श्री कृष्ण देव राय का क्या टाइटल था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र भोज। आंध्र भोज जो था वो टाइटल था श्री कृष्ण देव राय का। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ अरावीदु डायनेस्टी। अरावीदु डायनेस्टी का पहला राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रुमल राय। त्रुमल राय जो थे वो अरावीदु डायनेस्टी के पहले राजा थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। हु वाज द फेमस किंग ऑफ अरावीदु डायनेस्टी।
अराविदु डायनेस्टी का सबसे फेमस किंग जो था वो कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेंकटापति राय टू। वेंकटापति राय टू जो थे वो अराविदु डायनेस्टी के सबसे फेमस राजा थे। जैसे कि तुल्लुप डायनेस्टी के सबसे फेमस राजा कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण देव राय। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। हु बिल्ड हजारा राम स्वामी टेम्पल, किसने जो है हजारा राम स्वामी टेम्पल को बनाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण देव राय। श्री कृष्ण देव राय ने जो है हजारा राम स्वामी टेम्पल को बनवाया था। और ये कहाँ पे है हजारा राम स्वामी टेम्पल? तो ये हम्पी में है, ध्यान रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। हु वाज इटालियन ट्रेवलर विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देवराय टू, कौन सा इटालियन ट्रेवल था जो विजयनगर एम्पायर विजिट किया था देवराय टू के शासनकाल में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी जो थे वो इटालियन ट्रेवल थे और ये विजयनगर एम्पायर देवराय टू के समय में विजिट किए थे। और ये जो अब्दुल रजाक थे, ये अब्दुल होगा, अब्दुल रजाक भी देवराय टू के ही शासनकाल में विजिट किए थे विजयनगर एम्पायर, लेकिन ये कहाँ के ट्रेवलर थे? तो ये पर्शियन ट्रेवलर थे। ठीक, ये मैंने कवर किया है, जस्ट आपको इसको रिवाइज करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ अराविदु डायनेस्टी, अराविदु वंश का लास्ट राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री रंग राय थ्री। श्री रंग राय थ्री जो थे वो अराविदु डायनेस्टी के सबसे अंतिम राजा थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। हु हैड द टाइटल ऑफ आंध्र कविता पितामा, किसका जो है ये टाइटल था आंध्र कविता पितामा का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलासनी पेदन्ना। अलासनी पेदन्ना का ये टाइटल था आंध्र कविता पितामा, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। हु बिल्ड बिटाला स्वामी टेम्पल इन हम्पी, किसने जो है बिटाला स्वामी टेम्पल बनवाया था हम्पी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवराय टू। देवराय टू ने जो है वो विटाला स्वामी टेम्पल बनाया था हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। हु रोट मधुर विजयम, मधुर विजयम जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा देवी। गंगा देवी ने जो है मधुर विजयम लिखा था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम। हु रोट पांडुरंग महात्यम, पांडुरंग महात्यम जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण ने जो है पांडुरंग महात्यम पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। द कलिंग किंग प्रताप रुद्र गजपति वॉज डिफीटेड बाई, कलिंग का राजा जो था प्रताप रुद्र गजपति वो किसके द्वारा हराया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण देव राय। श्री कृष्ण देव राय के द्वारा जो है कलिंग का राजा प्रताप रुद्र गजपति को हराया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। हु प्लेड की रोल इन द विजयनगर पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सदाशिव राय, सदाशिव राय के समय में जो है विजयनगर पॉलिटिक्स में मेन रोल किसने निभाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आलिया राम राय। आलिया राम राय जो थे वो विजयनगर पॉलिटिक्स में की रोल निभाया था सदाशिव राय के समय में। सदाशिव राय जो थे ये एक पपेट किंग थे, इनका ज़्यादा चलता नहीं था, लेकिन आलिया राम राय जो मिनिस्टर थे सदाशिव राय के, यही जो है विजयनगर पॉलिटिक्स में की रोल निभाए थे और इन्होंने ही जो है तालीकोटा का वॉर लड़ा था और ये हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। आलिया राम राय वाज किल्ड बाई, आलिया राम राय जो थे वो किसके द्वारा मार दिए गए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हुसैन निजाम सावन। हुसैन निजाम सावन ने जो है आलिया राम राय को मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। द होयसल किंगडम वाज एनेक्स्ड टू विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग पीरियड, होयसल राजवंश जो था वो विजयनगर एम्पायर में किसके पीरियड में मिला लिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिहर राय वन। हरिहर राय वन ने जो है होयसल किंगडम को अपने विजयनगर एम्पायर में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम। द गोल्ड क्वाइंस ऑफ विजयनगर किंगडम वेयर कॉल्ड एज, जो सोने के सिक्के होते थे विजयनगर किंगडम में उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वराह। वराह जो है वो सोने के सिक्के को कहा जाता था विजयनगर एम्पायर में। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम। हु बिकेम किंग ऑफ तुल्लुप डायनेस्टी आफ्टर एसेसिनेशन ऑफ इमादी नरसिम्हा, इमादी नरसिम्हा के मर्डर के बाद तुल्लुप डायनेस्टी का राजा कौन बना था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वीर नरसिम्हा। वीर नरसिम्हा जो थे वो राजा बने थे तुल्लुप डायनेस्टी के, जब इमादी नरसिम्हा को मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम। हु वॉज द बहमनी किंग मैरिड टू डॉटर ऑफ देव राय वन, देव राय वन का जो शादी है कौन से बहमनी किंग के बेटी से हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी की बेटी की शादी जो है वो देव राय वन के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। हु अमंग द विजयनगर रूलर एडॉप्टेड द टाइटल गजबेटकर, यानी कि एलिफेंट हंटर,
कौन सा ऐसा विजयनगर का शासक था जिसने ये टाइटल एडॉप्ट किया था गजबेटकर, जिसका मतलब था एलिफेंट हंटर यानी एलिफेंट का शिकारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवराय टू जो था विजयनगर का शासक था जिसने ये उपाधि धारण की थी गजबेटकर का, जिसका मतलब होता था एलिफेंट का शिकारी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ हरिहर वन, कौन सा ऐसा फॉरेन ट्रेवलर था जो हरिहर वन के कोर्ट में यानी कि दरबार में आया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इबन बतूता जो है ऐसा फॉरेन ट्रेवलर था जो हरिहर वन के दरबार में आया था। और इबन बतूता कहाँ से भारत आया था, तो ये मोरक्को से भारत आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इबन बतूता जो है दिल्ली सल्तनत में किसके शासन काल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इबन बतूता ने एक बुक लिखी थी रेहला, और रेहला में इसने क्या बताया था, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया था और हरिहर वन जो उस समय रूलर थे उसके बारे में इसमें बताया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम। ए फॉरगॉटन एम्पायर रिटन बाय रॉबर्ट सीवेल इज अबाउट विच एम्पायर, रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर किस एम्पायर के बारे में बताया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर एम्पायर के बारे में रॉबर्ट सीवेल ने जो है ये लिखा है फॉरगॉटन एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम। द रूलर ऑफ विजयनगर प्रमोटेड, जो शासक थे विजयनगर के उन्होंने कौन सी भाषा को प्रमोट किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिल तेलुगु और संस्कृत। विजयनगर वंश के जो शासक थे उन्होंने तमिल तेलुगु और संस्कृत ये तीन लैंग्वेज को काफी प्रमोट किया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम। विच बहमनी रूलर बिल्ड द फेमस गोल गुंबज एट बीजापुर, कौन सा ऐसा बहमनी शासक था जिसने गोल गुंबज बनवाया है बीजापुर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद आदिल शाह जो था वो बहमनी रूलर था जिसने गोल गुंबज बनवाया है कहाँ पे, बीजापुर में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम। When बाबर invaded इंडिया who was the ruler of विजयनगर empire, जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय विजयनगर empire का रूलर कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय जो थे उस समय विजयनगर एम्पायर के शासक थे जब बाबर ने भारत पे अटैक किया था। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम। द बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड इन द ईयर, बहमनी किंगडम जो है वो किस साल जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1347, 1347 ईस्वी में जो है बहमनी किंगडम की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम। विच रूलर ऑफ विजयनगर हैड सेंट हिज एम्बेसी टू एम्परर ऑफ चाइना, विजयनगर एम्पायर का कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपना राजदूत जो है वो चाइना में भेजा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक्का वन जो था ऐसा शासक था विजयनगर का जिसने अपना राजदूत जो है एम्परर ऑफ चाइना के पास भेजा था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम। द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम वाज, बहमनी किंगडम का जो संस्थापक था वो कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्लाउद्दीन बहमन शाह जो था वो बहमनी किंगडम का संस्थापक था और ये 1347 ईस्वी में बहमनी किंगडम की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा। व्हाट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नेम क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फरीद खान जो था शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नाम था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। व्हाट वॉज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ शेर शाह सूरी के शासन का जो पीरियड था वो क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1540 से 1545, 1540 ईस्वी से लेके 1545 ईस्वी तक जो था शेर शाह सूरी के शासन का पीरियड था। तो शेर शाह सूरी ने जो है दिल्ली पे लगभग 5 इयर्स जो है वो रूल किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। व्हाट वॉज द लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ शेर शाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कौन सा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कलिंजर जो था शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान था। कलिंजर अभियान में क्या हुआ था कि एक बम का गोला जो है वो विस्फोट हो गया था और जिसके कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि उस समय कलिंजर जो था उसका शासक कौन था, तो वो था किरत सिंह जो था उस समय कलिंजर का शासक था जब शेर शाह सूरी ने वहां पे अभियान किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। शेर शाह सूरी वाज किल्ड ड्यू टू एक्सप्लोजन इन, शेर शाह सूरी की जो मृत्यु है एक बम का गोला था वो विस्फोट हो गया था उसकी वजह से हो गई थी, तो वो कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1545, 1545 ईस्वी में जो है शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी एक बम के गोले के फटने से। और उसकी मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो वो कलिंजर में हुई थी, जस्ट मैंने भी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। Who was the in charge of foreign affairs in the शेर शाह सूरी गवर्नमेंट, शेर शाह सूरी के गवर्नमेंट में
विदेशी मामलों का जो इंचार्ज होता था उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दीवाने रिसालत। ये आई होगा यहाँ पे, दीवाने रिसालत जो है वो विदेशी मामलों का जो इंचार्ज होता था उसे कहा जाता था शेरशाह सूरी के गवर्नमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हम। द एम्पायर ऑफ शेरशाह सूरी वॉज डिवाइडेड इंटू, शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था वो किसमें डिवाइडेड था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सरकार। जो शेरशाह सूरी का साम्राज्य था वो सरकार में डिवाइडेड था। शेरशाह सूरी ने क्या किया था कि अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया था और उसे ही क्या कहते थे, उसे सरकार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। इन हाउ मेनी सरकार्स वाज द एम्पायर ऑफ शेरशाह सूरी डिवाइडेड, शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था वो कितने सरकार में डिवाइडेड था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 47। 47 सरकार में जो है शेरशाह सूरी का साम्राज्य डिवाइडेड था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। Who was the head of revenue and financial department in शेरशाह rule? शेरशाह सूरी के रूल में राजस्व और वित्त विभाग का हेड जो है वो कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दीवाने वजीर। दीवाने वजीर जो था वो शेरशाह सूरी के गवर्नमेंट में राजस्व और वित्त विभाग का हेड होता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। Who was the recruiting officer of the army in शेरशाह rule? शेरशाह के रूल में जो recruiting officer होता था आर्मी का, यानी जो आर्मी की भर्ती करवाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दीवाने अरीज। दीवाने अरीज जो है वो आर्मी के रिक्रूटिंग ऑफिसर को कहा जाता था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। शेरशाह सूरी वाज बोर्न इन द ईयर, शेरशाह सूरी का जन्म जो है कौन से साल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1472। 1472 ईस्वी में जो है शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। और इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सासाराम में हुआ था। और सासाराम कहाँ है? तो बिहार में है। और शेरशाह सूरी के फादर का नाम था हसन खान, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो थे जमींदार थे कहाँ के? सासाराम के जमींदार थे ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। शेरशाह सूरी वाज फर्स्ट सर्व इन द आर्मी ऑफ, शेरशाह सूरी ने जो है पहली बार किसके आर्मी में सर्व किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुगल। मुगल आर्मी में जो है शेरशाह सूरी ने सर्व किया था। और शेरशाह सूरी जो था वो बाबर का आर्मी कमांडर था। बाबर जो मुगल वंश की जिसने स्थापना की थी उसका ये आर्मी कमांडर था और ये मुगल के जो आर्मी में है पहली बार सर्व किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। शेरशाह सूरी टूक रीजन ऑफ दिल्ली फ्रॉम, शेरशाह सूरी ने जो है दिल्ली का शासन किससे लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हुमायूं। हुमायूं से जो है शेरशाह सूरी ने दिल्ली का शासन लिया था। और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने दो युद्ध में पराजित किया था। एक था बैटल ऑफ चौसा जो 1539 ईस्वी में हुआ था और एक था बैटल ऑफ कन्नौज जो 1540 ईस्वी में हुआ था। और यही बैटल ऑफ कन्नौज के बाद जो है शेरशाह सूरी ने दिल्ली पे अपना शासन जमाया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। शेरशाह सूरी फेस्ड हुमायूं फर्स्ट टाइम इन विच बैटल, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पहली बार किस बैटल में फेस किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पहली बार फेस किया था। और बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में ये हुआ था। और चौसा कहाँ पे है? तो ये बक्सर में है। और बक्सर कहाँ है? तो ये बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। शेरशाह फेस्ड हुमायूं सेकेंड टाइम इन विच बैटल, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दूसरी बार कौन से बैटल में फेस किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज में जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दूसरी बार फेस किया था। और ये बैटल ऑफ कन्नौज को बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। और ये बैटल ऑफ कन्नौज कब हुआ था? तो ये 1540 में हुआ था, 1540 ईस्वी में। और इसके बाद ही जो है शेरशाह सूरी दिल्ली के शासन पे बैठ गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। हु गेव शेरशाह सूरी द टाइटल ऑफ शेर खान, शेरशाह सूरी को शेर खान का टाइटल किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी जो था वो शेरशाह सूरी को शेर खान का टाइटल दिया था। शेरशाह सूरी की बहादुरी को देख के बहार खान लोहानी ने शेर खान का टाइटल दिया था शेरशाह सूरी को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। शेरशाह सूरी फाउट बैटल ऑफ सामेल विद, शेरशाह सूरी ने जो है बैटल ऑफ सामेल किसके साथ लड़ा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राव मालदेव राठौर। राव मालदेव राठौर के साथ जो है शेरशाह सूरी ने बैटल ऑफ सामेल लड़ा था। और ये बैटल ऑफ सामेल कब हुआ था? तो ये 1544 ईस्वी में हुआ था, 1544 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ सामेल या बैटल ऑफ इसे सुमेल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस बैटल के बाद ही शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली बादशाहत खो दी थी। और इस बैटल में जो है शेरशाह सूरी का बुरा हाल हो गया था और इसलिए इसने ये कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो दी थी।
तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट जो है शेरशाह सूरी ने दिया था और ये बैटल ऑफ शामिल के बाद दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हम, हु बिल्ड रोहतास फोर्ट इन पाकिस्तान, किसने जो है रोहतास किला बनवाया था पाकिस्तान में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो है रोहतास किला बनवाया था और वो अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, शेरशाह सूरी मस्जिद इज लोकेटेड इन, शेरशाह सूरी मस्जिद जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना। पटना में जो है शेरशाह सूरी मस्जिद लोकेटेड है, और पटना कहाँ है, पटना बिहार में है, बिहार की राजधानी है पटना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किला ए कुन्हा मॉस्क वाज बिल्ड बाय शेरशाह सूरी इज इन, किला ए कुन्हा मस्जिद जो है वो शेरशाह सूरी ने कहाँ पर बनवाया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। किला ए कुन्हा मस्जिद जो है वो शेरशाह सूरी ने दिल्ली में बनवाया था, और ये किस ईयर में बनवाया था, तो ये 1541 ईस्वी में बनवाया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा डेट को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम, शेरशाह सूरी टॉम्ब इज लोकेटेड इन, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सासाराम। सासाराम बिहार में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा लोकेटेड है। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है वो कलिंजर में हुई थी, लेकिन शेरशाह सूरी को दफनाया कहाँ पे गया था, तो सासाराम में दफनाया गया था, और यहीं पे इसका मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम, लाल दरवाजा बिल्ड बाय शेरशाह सूरी इज ऑल्सो नोन एज, लाल दरवाजा जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था उसे और किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खूनी दरवाजा। लाल दरवाजा जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था उसे खूनी दरवाजा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम, शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस रुपया इन द मेटल ऑफ, शेरशाह सूरी ने रुपया जो है इंट्रोड्यूस किया था वो किस धातु का बना हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिल्वर। जो शेरशाह सूरी ने रुपया इंट्रोड्यूस किया था वो सिल्वर यानी कि चांदी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम, अकबर इज सेड टू कॉपी एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटजी क्वालिटीज फ्रॉम, अकबर को ऐसा कहा जाता है कि उसने जो है प्रशासन और जो रणनीति है वो क्वालिटी जो है कॉपी की है, वो किससे कॉपी की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। अकबर ने जो है प्रशासन और रणनीति क्वालिटी जो है वो कॉपी की है शेरशाह सूरी से। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम, शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस ए करेंसी मोहूर मेड अप ऑफ, शेरशाह सूरी ने जो है एक करेंसी मोहूर जो है वो इंट्रोड्यूस किया था वो किस चीज का बना हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल्ड। ये जो मोहूर करेंसी है जो शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था ये गोल्ड यानी कि सोने का बना हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी तक दो करेंसी हमने पढ़ा, एक रुपया, रुपया जो है वो चांदी का बना हुआ होता था, और ये जो मोहूर है ये भी एक तरह का करेंसी है, ये गोल्ड का यानी कि सोने का बना हुआ होता था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस ए करेंसी डैम मेड अप ऑफ, शेरशाह सूरी ने एक करेंसी डैम जो है इंट्रोड्यूस किया था वो किस चीज का बना हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉपर। जो डैम करेंसी था जो शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था ये तांबा का बना हुआ था। तो तीन करेंसी हमने पढ़ लिया, रुपया जो था वो सिल्वर यानी चांदी का बना हुआ था, मोहूर गोल्ड का बना हुआ था, और डैम जो है वो कॉपर यानी कि तांबे का बना हुआ था। तो ये जो तीन करेंसी थी शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था अपने शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम, द ग्रैंड ट्रंक रोड इज नोन एज इन ओल्डर पीरियड, पुराने समय में जो है ग्रैंड ट्रंक रोड को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सड़के आजम। सड़के आजम जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड को कहा जाता था पुराने जमाने में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर रोट तारीखे शेरशाही, कौन सा इसमें ऑथर है जिसने ये लिखा था तारीखे शेरशाही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्बास खान सारवानी। अब्बास खान सारवानी ने जो है ये तारीखे शेरशाही जो है वो लिखी थी, तो ये इसके ऑथर थे, ध्यान रखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम, वेयर डिड शेरशाह सूरी स्टडी, शेरशाह सूरी ने जो है अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जौनपुर। शेरशाह सूरी ने जो है अपनी शिक्षा जौनपुर से ग्रहण की थी, और शेरशाह सूरी का जन्म जो है वो सासाराम में हुआ था। तो इनिशियल समय उन्होंने सासाराम में बिताया, बाकी फर्दर स्टडीज के लिए वो जौनपुर चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम, सरकार्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शेरशाह वेयर अगेन डिवाइडेड इनटू, मैंने आपको बताया था अभी कि जो साम्राज्य था शेरशाह सूरी का वो 47 अलग अलग हिस्सों में विभाजित था, जिसे हम क्या कहते थे, सरकार कहते थे, ठीक। तो वो जो सरकार था फिर फर्दर डिवाइड हो गया था छोटे छोटे जिलों में, तो उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था परगना, ऑप्शन ए। परगना जो है वो छोटे छोटे जिलों को कहा जाता था जिसमें सरकार डिवाइडेड था।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वेर इंचार्ज ऑफ परगना ड्यूरिंग द शेरशाह। परगना जो होता था शेरशाह सूरी के शासन काल में, उसके इंचार्ज जो होते थे ऑफिसर, उसे क्या कहते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकदर एंड अमीन। सिकदर और अमीन कहा जाता था ऑफिसर्स को जो इंचार्ज होते थे परगना के, और अमीन को जो है मुंसिफ भी कहा जाता था। और ये सिकदर का काम क्या होता था? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी कि प्रशासनिक इकाई को देखते थे, और अमीन और मुंसिफ का काम क्या होता था? तो जो रेवेन्यू आता था कलेक्ट होके, उसके ये इंचार्ज होते थे अमीन और मुंसिफ। तो ये ध्यान रखिएगा, सिकदर का काम था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को संभालना, और अमीन और मुंसिफ का काम था रेवेन्यू डिपार्टमेंट को संभालना। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। विच ऑफिसर्स कलेक्टेड रेवेन्यू इन द परगना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शेरशाह। शेरशाह सूरी के पीरियड में परगना से रेवेन्यू जो होता था राजस्व, उसका कलेक्शन कौन करता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चौधरी एंड पटवारी। चौधरी और पटवारी जो होते थे वो राजस्व यानी कि रेवेन्यू का कलेक्शन करते थे, कहाँ से? परगना से। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। Who looked after the judicial and civil matter of Paragana? Paragana का जो न्यायिक और सिविल मैटर होता था वो कौन देखता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकदर एंड अमीन। सिकदर और अमीन जो थे वो जुडिशियल, न्यायिक और सिविल मैटर देखते थे परगना का। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। Who among the following laid foundation for the रोहितवारी सिस्टम? रोहितवारी सिस्टम जिसको अंग्रेजों ने बाद में लाया था, उसका जो न्यू है वो किसने रखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो है वो रोहितवारी सिस्टम का नींव रखा था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हम। हु वाज द हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शेरशाह। जुडिशियल डिपार्टमेंट यानी कि न्यायिक विभाग का जो हेड होता था वो कौन होता था शेरशाह सूरी के शासन काल में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चीफ काजी। चीफ काजी जो था वो हेड होता था जुडिशियल डिपार्टमेंट का शेरशाह सूरी के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हम। Who introduced जब्ती सिस्टम इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम? जब्ती सिस्टम जो है वो किसने लाया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो है पहली बार जब्ती सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। Who was the head of the religious and charities department during शेरशाह? शेरशाह सूरी के शासन काल में जो धार्मिक और दान पुण्य मामलों का जो विभाग था उसका हेड कौन होता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सदर उस सुदूर। सदर उस सुदूर जो था वो रिलीजियस और चैरिटी डिपार्टमेंट का हेड होता था शेरशाह सूरी के समय में। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम। मलिक मोहम्मद जैसी रोट पद्मावत इन विच रूलर रीजन? मलिक मोहम्मद जैसी ने जो है पद्मावत लिखा था किसके शासन काल में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासन काल में जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखा था, और ये पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया था, ये ध्यान रखिएगा, और ये लगभग 1540 ईस्वी में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। हु वाज द सक्सेसर ऑफ शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी का जो है उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्लाम शाह, और इसे जलाल खान से भी जानते हैं। तो इस्लाम शाह जो था वो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। विच रूलर चेंज द नेम ऑफ पाटलिपुत्र टू पटना इन 1541? कौन सा ऐसा रूलर था जिसने पाटलिपुत्र का नाम चेंज कर दिया था पटना 1541 ईस्वी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो है पाटलिपुत्र का नाम पटना चेंज कर दिया था 1541 ईस्वी में, और शेरशाह सूरी ने जो है पटना को अपनी राजधानी भी बनाया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो विच राजपूत किंग डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा ऐसा राजपूत राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज थ्री। पृथ्वीराज थ्री या इन्हें पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, इन्होंने जो है पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था, और ये राजपूत किंग थे, और पृथ्वीराज थ्री ने मोहम्मद गौरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हराया था, और ये बैटल हुआ था 1191 में, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। राजपूत आर मेंशनड एज अग्निकुल क्षत्रिय इन? राजपूत जो है वो अग्निकुल क्षत्रिय मेंशनड है, वो किसमें मेंशनड है ये? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में राजपूत को अग्निकुल क्षत्रिय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। हु रोट पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद बरदाई। चंद बरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। Who was the ruler of Punjab defeated by Muhammad Ghazni? Ghazni के द्वारा कौन सा रूलर था पंजाब का जिसे हराया गया था? तो
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपाल। जयपाल जो था पंजाब का रूलर था और उसे मोहम्मद गजनी ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। राज तरंगनी वाज रिटन बाई, राज तरंगनी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कलहन। कलहन के द्वारा जो है राज तरंगनी लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। राजपूत बिल्ड टेम्पल्स एट, राजपूत जो थे वो कहाँ कहाँ पे मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑल द एबव। राजपूत जो थे वो खजुराहो में, कोणार्क में, पुरी में और भुवनेश्वर में, ये सभी जगह मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार का जो है कैपिटल यानी कि राजधानी कहाँ पे था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भीनमल। भीनमल जो था वो गुर्जर प्रतिहार का कैपिटल था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। हु वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, प्रतिहार वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागभट। नागभट जो था प्रतिहार वंश का सबसे प्रमुख शासक था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। द प्रतिहार रूलर हु ऑक्युपाइड कन्नौज, कौन सा ऐसा प्रतिहार शासक था जिसने कन्नौज को ऑक्युपाई कर लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागभट। नागभट जो था ऐसा प्रतिहार शासक था जिसने कन्नौज को ऑक्युपाई कर लिया था, और नागभट ही जो है सबसे प्रमुख शासक था प्रतिहार डायनेस्टी का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। द पाल रूलर हु वाज डिफीटेड बाय प्रतिहार रूलर नागभट, कौन सा ऐसा पाल रूलर था जिसे प्रतिहार के रूलर नागभट ने हराया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। धर्मपाल जो था पाल रूलर था जिसे प्रतिहार के रूलर नागभट ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्यपाल जो था प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। व्हाई डिड गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी डिक्लाइन, गुर्जर प्रतिहार जो वंश है वो डिक्लाइन क्यों हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी इन्वेंशन। महमूद गजनवी के अटैक के कारण जो है गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो डिक्लाइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। द राजपूत क्लैन डेट रूल बुंदेलखंड वाज, कौन सा ऐसा राजपूत वंश था जो बुंदेलखंड के ऊपर जो है शासन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदेल। चंदेल जो थे ऐसे राजपूत वंश थे जो बुंदेलखंड पे जो है उन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चंदेल, चंदेल की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खजुराहो। खजुराहो जो थी वो चंदेल की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जय शक्ति। जय शक्ति जो था वो चंदेल वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। हु वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ चंदेल डायनेस्टी, चंदेल वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धंग। धंग जो था वो चंदेल वंश का सबसे प्रमुख शासक था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। हु बिल्ड द फेमस टेम्पल एट खजुराहो, किन्होंने जो है खजुराहो में प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंदेल। चंदेल शासकों ने जो है खजुराहो में प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। द चंदेल रूलर हु बिल्ड फेमस टेम्पल एट खजुराहो, कौन सा ऐसा चंदेल शासक था जिसने खजुराहो में फेमस टेम्पल का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धंग। धंग जो था वो चंदेल शासक था जिसने फेमस टेम्पल खजुराहो में जो है वो बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। द मुस्लिम रूलर हु कनकर्ड बुंदेलखंड इन 1203 एडी, कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने बुंदेलखंड को 1203 ईस्वी में कनकर्ड किया था, मतलब उस पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने बुंदेलखंड को 1203 ईस्वी में कनकर्ड किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा था, ठीक, गुलाम वंश का पहला राजा था, इसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। हु वॉज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी, परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण राजा। कृष्ण राजा ने जो है परमार वंश की स्थापना की थी, और इन्हें जो है उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ये भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। परमार डायनेस्टी रूल, परमार जो वंश था वो कहाँ पे रूल किया था, कहाँ पे शासन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मालवा। परमार डायनेस्टी जो था वो मालवा में शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ परमार, परमार की राजधानी कहाँ पे थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धर। धर जो थी वो परमार की राजधानी थी।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। हु वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी, परमार वंश का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भोज। भोज जो थे वो सबसे प्रमुख शासक थे परमार डायनेस्टी के, परमार वंश के। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। कविराज मालवा चक्रवर्ती वॉज द टाइटल ऑफ, कविराज मालवा चक्रवर्ती जो है वो किसका टाइटल था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भोज। भोज जो राजा थे जो परमार वंश से बिलोंग करते थे उनका ही टाइटल था कविराज मालवा चक्रवर्ती, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। द परमार रूलर हु एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी एट धर, कौन सा ऐसा परमार शासक था जिसने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी धर में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भोज। भोज जो थे परमार शासक थे जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी धर में, और धर ही जो था वो राजधानी था परमार का। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। हु वाज द ऑथर ऑफ मिताक्षरा, मिताक्षरा का जो है ऑथर कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर जो था वो मिताक्षरा का ऑथर था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ परमार डायनेस्टी, परमार वंश का अंतिम जो है स्वतंत्र राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जय सिम्हा। जय सिम्हा जो था परमार वंश का अंतिम स्वतंत्र राजा था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। इनिशियली चौहान्स वेयर फ्यूडिट्रीज ऑफ, चौहान्स जो थे वो किसके सामंत थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिहार। प्रतिहार के जो है सामंत थे चौहान्स। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिम राजा। सिम राजा जो थे वो चौहान वंश के पहले स्वतंत्र शासक थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ सिम राजा, सिम राजा का क्या टाइटल था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराजा धीराज। महाराजा धीराज जो था वो सिम राजा का टाइटल था, और सिम राजा कौन थे? तो ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर यानी कि पहले स्वतंत्र शासक थे चौहान वंश के। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। द चौहान रूलर हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अजमेर, कौन सा ऐसा चौहान शासक था जिसने अजमेर शहर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अजय राजा। अजय राजा जो था वो चौहान शासक था जिसने अजमेर शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। द चौहान रूलर हु कनकर्ड दिल्ली, कौन सा ऐसा चौहान शासक था जिसने दिल्ली पे विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विशाल देव। विशाल देव जो थे ऐसे चौहान शासक थे जिन्होंने दिल्ली पे विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। हु वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज थ्री। पृथ्वीराज थ्री या पृथ्वीराज चौहान भी इन्हें कहते हैं, ये जो थे चौहान वंश के सबसे प्रमुख शासक थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ पृथ्वीराज थ्री, पृथ्वीराज थ्री का जो है शासन का पीरियड क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1179 से 1192 एडी, 1179 से लेके 1192 एडी तक जो पृथ्वीराज थ्री का शासन का पीरियड था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। द चंदेल किंग हु वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज थ्री, कौन सा ऐसा चंदेल राजा था जिन्हें पृथ्वीराज थ्री ने हराया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए परमदी। परमदी जो था वो चंदेल किंग था जिसे पृथ्वीराज थ्री ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 एडी, मोहम्मद गौरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जो 1191 एडी में हुआ था किसने हराया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हराया था, और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है वो कब हुआ था? तो 1191 एडी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा डेट। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम। पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन बाई, पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए थे और उन्हें मार दिया गया था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, वो किसके द्वारा मारा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और मार दिया था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? तो ये 1192 एडी में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। After the second battle of Tarain, Chauhans continued their rule in, second battle of Tarain के बाद चौहान जो है अपना शासन कहाँ पे continue रखे थे? तो इसका answer होगा option B, Ranthambore. Ranthambore में जो है चौहान्स अपना शासन continue रखे थे second battle of Tarain में हारने के बाद भी। Question number 39 देखते हैं हम। Ranthambore was captured by Alauddin Khilji in, Ranthambore जो है Alauddin Khilji के द्वारा capture कर लिया गया था किस साल में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1301 AD, 1301 AD में जो है
अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पे कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल। गोपाल जो थे वो पाल डायनेस्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। द पाल डायनेस्टी रूल्ड, पाल डायनेस्टी जो है वो कहाँ पे शासन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार एंड बंगाल। पाल डायनेस्टी का जो शासन था वो बिहार और बंगाल में था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ गोपाल, गोपाल का जो शासन का पीरियड था वो क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 750 से 770 एडी, 750 ईस्वी से लेके 770 ईस्वी तक गोपाल का रूल था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम। हु वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ गोपाल, गोपाल का बेटा और उनका उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। धर्मपाल जो थे गोपाल के बेटे थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम। द पाल किंग हु यूनाइटेड द बिहार एंड बंगाल, कौन सा ऐसा पाल किंग था जिन्होंने बिहार और बंगाल को यूनाइट कर दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। धर्मपाल जो थे उन्होंने बिहार और बंगाल को यूनाइट कर दिया था, और ये जो थे गोपाल के बेटे थे और गोपाल के बाद जो है राजा धर्मपाल ही बने थे। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई धर्मपाल, कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि विक्रमशिला बिहारा जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये भी धर्मपाल के द्वारा ही स्थापित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहारा किसे कहते हैं? जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं उन्हें ही बिहारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। हु वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ धर्मपाल, धर्मपाल के बेटे और उनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देवपाल। देवपाल जो थे वो धर्मपाल के बेटे थे और उनके उत्तराधिकारी थे। तो पहले राजा थे गोपाल, फिर हुए धर्मपाल, और फिर हुए आपके देवपाल। तो ये सीरीज भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम। हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर एमंग गढ़वाल डायनेस्टी, गढ़वाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र जो थे वो गढ़वाल डायनेस्टी के सबसे महान राजा थे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयचंद। जयचंद जो थे वो गढ़वाल डायनेस्टी के सबसे अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। Who defeated and killed जयचंद in the battle of चंदावर, जयचंद को किसने हराया था और मार दिया था battle of चंदावर में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जो है जयचंद को हरा दिया था और मार दिया था battle of चंदावर में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम। द बैटल ऑफ चंदावर टुक प्लेस इन, बैटल ऑफ चंदावर जो है वो कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1194 एडी, 1194 ईस्वी में जो है बैटल ऑफ चंदावर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ सोलंकी किंगडम इन 1945 एडी, सोलंकी राजवंश की जो स्थापना है 945 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल राज। मूल राज के द्वारा जो है सोलंकी राजवंश की स्थापना की गई थी 945 एडी में। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम। सोलंकी किंगडम वॉज फाउंडेड इन, सोलंकी किंगडम की जो स्थापना है वो कहाँ पे हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात में जो है सोलंकी राजवंश की स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी? अभी मैंने आपको बताया, मूल राज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम। व्हाट वॉज द कैपिटल ऑफ सोलंकी किंगडम, सोलंकी राजवंश का राजधानी कहाँ पे था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ जो था वो राजधानी था सोलंकी किंगडम का। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम। द मुस्लिम इन्वेडर वो डिस्ट्रॉयड सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, कौन सा ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था गुजरात में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने जो है वो सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये जो सोमनाथ टेम्पल है ये कौन से गॉड का है? तो ये शिव का है, शिव जी का जो है ये टेम्पल है। और महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ टेम्पल पर अटैक कब किया था? तो 1025 एडी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा डेट को। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात एट द टाइम ऑफ सोमनाथ टेम्पल अटैक, जब सोमनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ था महमूद गजनवी के द्वारा 1025 एडी में, तो उस समय गुजरात का रूलर कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमराज वन। भीमराज वन जो थे वो गुजरात के शासक थे जब सोमनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। द सोलंकी रूलर हु फाउंडेड ए न्यू एरा कॉल्ड सीमा संवत्सर, कौन सा ऐसा सोलंकी शासक था जिसने एक न्यू एरा की शुरुआत की थी जिसका नाम क्या था? सीमा संवत्सर।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जय सिम्हा। जय सिम्हा ने जो है सिम्ह संवत्सर ईरा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम, हु वाज द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समन सेन। समन सेन जो थे वो सेन वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम, हु वाज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ सेन डायनेस्टी, सेन वंश का अंतिम पावरफुल शासक जो था वो कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो थे वो सेन वंश के लास्ट पावरफुल रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम, हु रोट गीत गोविंद, गीत गोविंद जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जयदेव। जयदेव ने जो है वो गीत गोविंद लिखा था और जयदेव जो है वो लक्ष्मण सेन के दरबार में कवि थे। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम, हु रोट रावण वध, रावण वध जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री भट्टी। श्री भट्टी ने जो है वो रावण वध लिखा था। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम, हु रोट सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भास्करचार्य। भास्करचार्य ने जो है सिद्धांत शिरोमणि लिखा था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम, द टेम्पल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजपूत वेयर बिल्ट इन, जो मंदिर होते थे राजपूत काल में वो कैसे बने होते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव। ये सारे स्टाइल में जो है मंदिर बने होते थे राजपूत पीरियड में, और वो कौन कौन से स्टाइल थे? तो एक था आपका वेसर, नागर और द्रविड़। ये तीनों स्टाइल में जो है मंदिर बने होते थे राजपूत पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम, समरंग सूत्रधर वाज रिटन बाय, समरंग सूत्रधर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भोज। भोज राजा के द्वारा जो है समरंग सूत्रधर जो है वो लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम, द कैपिटल ऑफ मेवाड़ वाज, मेवाड़ का राजधानी कहाँ पे था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्तौड़। मेवाड़ का राजधानी जो था वो चित्तौड़ था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम, मेवाड़ वाज रूल्ड बाय, मेवाड़ जो है वो किसके द्वारा शासन किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिसोदिया डायनेस्टी। सिसोदिया वंश के द्वारा जो है मेवाड़ पे शासन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम, मारवाड़ वाज रूल्ड बाय, मारवाड़ जो है वो किनके द्वारा शासन किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राठौर डायनेस्टी। राठौर वंश के द्वारा जो है मारवाड़ पे शासन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम, हु बिल्ड सन टेम्पल एट कोणार्क, किसने जो है कोणार्क में सन टेम्पल बनवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरसिंह देव वन। नरसिंह देव वन के द्वारा जो है कोणार्क में सन टेम्पल बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम, जैन टेम्पल्स एट दिलवारा वेयर बिल्ट बाई, जैन टेम्पल्स जो है दिलवारा में वो किनके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोलंकीज। सोलंकी वंश के द्वारा जो है जैन टेम्पल दिलवारा में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम, द पाल रूलर हु इलेक्टेड बाई पीपुल, कौन सा ऐसा पाल शासक था जो लोगों के द्वारा चुन के आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल। गोपाल जो थे वो पाल शासक थे जो लोगों के द्वारा चुनकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम, द फेमस पोएट राजशेखर वाज इन द कोर्ट ऑफ, फेमस पोएट राजशेखर जो थे वो किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महिपाल। महिपाल के दरबार में जो थे राजशेखर थे। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम, द तोमर रूलर हु फाउंडेड दिल्ली, कौन सा ऐसा तोमर शासक था जिसने दिल्ली की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनंगपाल टू। अनंगपाल टू ने जो है वो दिल्ली की स्थापना की थी और ये तोमर रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम, द डायनेस्टी ट्राइड फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज, कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से वंश ने ट्राई किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव। ये सारे वंशों ने जो है कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए ट्राई किया था, और ये कौन कौन से थे? तो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ये तीनों वंश जो थे वो कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए ट्राई किए थे। और इसे जो है ट्राई पार्टी स्ट्रगल से भी हम जानते हैं, तीन पार्टियों में जो है स्ट्रगल हुआ करता था कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम, हु बिल्ड जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में लोकेटेड है उसको किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनंत वर्मन। अनंत वर्मन ने जो है वो जगन्नाथ टेम्पल बनवाया था जो कहाँ पे लोकेटेड है, पुरी में। और पुरी कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम, द पाल रूलर हु रूल्ड कन्नौज फॉर ए वाइल, कौन सा ऐसा पाल शासक था जिसने कन्नौज पे जो है थोड़े समय के लिए रूल किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। धर्मपाल जो था वो ऐसा पाल शासक था जिसने कन्नौज पे थोड़े समय के लिए रूल किया था। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम, चतुर्भुज टेम्पल एट खजुराहो वाज बिल्ट बाई, चतुर्भुज टेम्पल जो है खजुराहो में है ये किसके द्वारा बनवाया गया था?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यशोवर्मन। यशोवर्मन के द्वारा जो है चतुर्भुज टेम्पल जो खजुराहो में है उसको बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम। कर्पूर मंजरी वाज रिटन बाय, कर्पूर मंजरी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजशेखर। राजशेखर के द्वारा जो है कर्पूर मंजरी लिखा गया था। और राजशेखर जो थे ये किसके दरबार में थे? तो ये महीपाल के दरबार में थे। पाल शासक महीपाल के दरबार में राजशेखर थे और इन्होंने जो है कर्पूर मंजरी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम। द दिलवाड़ा टेम्पल इज लोकेटेड एट, दिलवाड़ा टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में जो है दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं हम। द लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड एट, लिंगराज टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो है वो लिंगराज टेम्पल लोकेटेड है। और भुवनेश्वर कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं हम। हु फाउट द बैटल ऑफ वाहिंद, यहाँ पे फाउट होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आनंद पाल एंड महमूद गजनवी। आनंद पाल जो पाल शासक था और महमूद गजनवी के बीच में जो है ये बैटल ऑफ वाहिंद हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये 1009 एडी में हुआ था, 1009 ईस्वी में। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम। द प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ भोजशाला टेम्पल इज, भोजशाला टेम्पल में जो है वो कौन से भगवान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गॉडेस सरस्वती। सरस्वती जो है वो भोजशाला टेम्पल में जो है भगवान है। और भोजशाला टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये धर में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम। दस कुमार चरितम वॉज कम्पोज बाई, दस कुमार चरितम जो है वो किसके द्वारा कम्पोज किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दंडी। दंडी के द्वारा जो है दस कुमार चरितम कंपोज किया गया था। इन शिवाजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर वाज कॉल्ड, जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था उसमें प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेशवा। शिवाजी के मंत्रिमंडल में प्राइम मिनिस्टर को पेशवा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हम। शिवाजी वाज क्राउंड इन द ईयर, शिवाजी जो है राजा कौन से साल में बने थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1674, 1674 ईस्वी में शिवाजी राजा बने थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। शिवाजी डाइड इन द ईयर, शिवाजी की मृत्यु कौन से साल में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1680, 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी और ये 6 साल जो है वो राजा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। औरंगजेब फेल टू डिफीट शिवाजी बिकॉज, औरंगजेब जो है वो फेल हो गया था शिवाजी को हराने में, इसका क्या कारण था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मराठास वेयर एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वार, मराठास जो थे वो गुरिल्ला वार में काफी एक्सपर्ट थे जिसकी वजह से औरंगजेब जो है वो फेल हो गया था शिवाजी को हराने में। गुरिल्ला वार का मतलब क्या होता है कि मराठा क्या करते थे कि ये पहाड़ियों में या जंगल में छिपे रहते थे और आके अटैक कर देते थे और वापस जो है पहाड़ियों और जंगल में ये चले जाते थे। तो इस तरह के वार को क्या कहते हैं? गुरिल्ला वार कहते हैं। तो इसमें जो मराठा थे काफी एक्सपर्ट थे और औरंगजेब जो है इसलिए फेल हो गया था इनको हराने में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। विच पेशवा वाज पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब, कौन से पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को जो है वो नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। और बालाजी बाजीराव जो थे वो बाजीराव वन के सन थे। और बालाजी बाजीराव जो थे वो 1740 ईस्वी से लेके 1761 ईस्वी तक जो है वो पेशवा रहे थे। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। अष्ट प्रधान वाज द ऑफिशियल काउंसिल ऑफ, अष्ट प्रधान जो था वो किसका अधिकारी परिषद था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवाजी। शिवाजी का जो अधिकारी परिषद था उसे अष्ट प्रधान कहते थे। और अष्ट प्रधान जो है वो 8 मिनिस्टर का काउंसिल था जो मराठा प्रशासन को संभालते थे। और ये जो अष्ट प्रधान थे ये कौन कौन थे? तो ये थे पेशवा, अमात, मंत्री, सचिव, सुमन, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हम। द ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज साइंड विद ब्रिटिश बाय पेशवा, ट्रीटी ऑफ बेसिन जो हुआ था ब्रिटिश और एक पेशवा के बीच में हुआ था, तो उस पेशवा का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाजीराव टू। बाजीराव टू जो पेशवा थे और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुआ था एक ट्रीटी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ बेसिन। और ये कब हुआ था? 1802, 1802 ईस्वी में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। बिटवीन हुम वॉज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1776 मेड, मतलब ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो हुआ था 1776 ईस्वी में हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मराठास एंड इंग्लिश। मराठास और अंग्रेजों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, और ये 1776 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हम। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, तीसरा बैटल जो था पानीपत का वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में तीसरा बैटल जो है पानीपत का लड़ा गया था, और ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ये 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा। और अहमद शाह अब्दाली जो था ये कहाँ का किंग था, तो अफगानिस्तान का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। शिवाजी डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ, शिवाजी ने जो है मुगल्स को हराया था कौन से बैटल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सलहर। सलहर के बैटल में जो है शिवाजी ने मुगल्स को हराया था, और ये सलहर का बैटल कब हुआ था, तो 1672 ईस्वी में जो है शिवाजी और मुगल्स के बीच में बैटल हुआ था, जिसे बैटल ऑफ सलहर कहते हैं। और सलहर कहाँ है, तो ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। विच मराठा वुमेन फाउट अगेंस्ट मुगल एम्पायर, कौन सी ऐसी मराठा वुमेन थी जो मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में फाइट की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ताराबाई। ताराबाई जो थी वो मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी, और ताराबाई जो थी किनकी क्वीन थी, तो ये राजा राम की क्वीन थी, राजा राम की ये पत्नी थी ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। हु वाज द चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स, मराठा पॉलिटिक्स का चाणक्य जो है किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को जो है मराठा पॉलिटिक्स का चाणक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। विच मराठा पेशवा फॉलोड द आइडियल ऑफ हिंदू पद पातशाही, कौन सा मराठा पेशवा था जिसने पालन किया था ये हिंदू पद पातशाही के आदर्शों को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाजीराव वन। बाजीराव वन ने जो है हिंदू पद पातशाही के आदर्शों का पालन किया था। इसका मतलब क्या था कि भारत पर मुस्लिमों का शासन समाप्त करने के लिए सभी हिंदू राजाओं को एक हो जाना इसका जो है मेन मकसद था, और संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना। तो ये जो आदर्श है बाजीराव वन के द्वारा जो है वो लाया गया था। और ये जो बाजीराव वन है ये कब से कब तक पेशवा रहे थे, तो ये 1720 से 1740 ईस्वी तक पेशवा रहे थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। हु वॉज द फर्स्ट पेशवा ऑफ साहूजी महाराज, साहूजी महाराज जो थे उनके पहले पेशवा कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो साहूजी महाराज के पहले पेशवा थे, और बालाजी विश्वनाथ के ही सन थे बाजीराव वन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 वाज साइन बिटवीन, ट्रीटी ऑफ सूरत जो हुआ था जो 1775 ईस्वी में साइन हुआ था वो किन किन के बीच में साइन हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रघुनाथ राव एंड ब्रिटिशर्स। रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुआ था 1775 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज साइन इन द ईयर, सालबाई की जो संधि हुई थी वो किस ईयर में साइन हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1776। 1776 ईस्वी में जो है वो सालबाई की संधि साइन हुई थी, और ये किन किन के बीच में हुई थी, तो ये भी मराठा और इंग्लिश यानी अंग्रेज के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। हु स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर सांभाजी, सांभाजी के बाद मराठा जो प्रशासन है उसको स्ट्रीमलाइन किसने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम। राजा राम ने जो है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन किया था सांभाजी के बाद। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। ट्रीटी ऑफ वडगांव वाज साइंड इन द ईयर, वडगांव की जो संधि है वो कौन से साल में साइन हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1779। 1779 ईस्वी में जो है ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन हुई थी, और ये किन किन के बीच में साइन हुई थी, तो ये भी मराठा और इंग्लिश के बीच में ही साइन हुई थी ये ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। द पीरियड ऑफ रूल ऑफ बाजीराव वन वाज, बाजीराव वन का शासन का जो पीरियड है वो क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1720 से लेके 1740 तक, 1720 ईस्वी से लेके 1740 ईस्वी तक बाजीराव वन के शासन का पीरियड था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी किंगडम, शिवाजी किंगडम की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रायगढ़। रायगढ़ जो थी वो शिवाजी किंगडम की राजधानी थी, और शिवाजी का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो भी रायगढ़ में ही हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ जाट स्टेट ऑफ भरतपुर इन राजस्थान, जाट स्टेट भरतपुर जो राजस्थान में है उसके रियल संस्थापक जो थे वो कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चूड़ामन। चूड़ामन जो थे वो जाट स्टेट भरतपुर के रियल संस्थापक थे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ जाट, जाट के सबसे महान शासक कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सूरजमल। सूरजमल जो थे वो जाट्स में सबसे महान शासक रहे हैं। इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा कि भज्जा सिंह थे उनके बेटे थे कौन, चूरामन, और चूरामन के बेटे कौन थे तो बदन सिंह, और बदन सिंह के बेटे कौन थे तो सूरजमल। तो ये सीरीज याद रखिएगा, एग्जाम में सीरीज से भी क्वेश्चन पूछ लेता है या ऐसे भी पूछ सकता है कि किसके बाद कौन जो है जाट रूलर बने थे। तो आप सीरीज ध्यान रखिएगा, अगर सीरीज आपको याद है तो आप कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम, What was the period of rule of सूरजमल, सूरजमल का जो शासन का पीरियड था वो क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1755 से 1763, 1755 ईस्वी से लेके 1763 ईस्वी तक सूरजमल के शासन का पीरियड था। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ चूरामन, चूरामन के शासन का क्या पीरियड था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1695 से 1721, 1695 ईस्वी से लेके 1721 ईस्वी तक चूरामन के शासन का जो है पीरियड था। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं हम, सूरजमल ऑक्यूपाइड आगरा इन, सूरजमल ने आगरा को ऑक्यूपाई कर लिया था कौन से साल में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1761, 1761 ईस्वी में सूरजमल ने आगरा को ऑक्यूपाई कर लिया था। और इस डेट को कैसे याद रखिएगा, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो 1761 ईस्वी में ही हुआ था, तो ये इससे ध्यान रखिएगा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 ईस्वी में हुआ था और सूरजमल ने आगरा को ऑक्यूपाई किया था 1761 में ही। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑक्यूपाइड बाय सूरजमल इन 1756, कौन सा प्लेस को सूरजमल ने ऑक्यूपाई किया था 1756 ईस्वी में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अलवर, अलवर को जो है सूरजमल ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1756 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं हम, द जाट स्टेट रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जाट स्टेट जो है अपने शिखर पर किसके शासनकाल में था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सूरजमल, सूरजमल के शासनकाल में जो है जाट स्टेट अपने शिखर पे था। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं हम, व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू सूरजमल बाय द मुगल एम्परर, मुगल शासक के द्वारा सूरजमल को कौन सा टाइटल दिया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र, राजेंद्र टाइटल जो है सूरजमल को दिया गया था मुगल एम्परर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं हम, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ जाट, जाट के सबसे अंतिम शासक कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिजेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह जो थे वो जाट के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं हम, हु वाज कॉल्ड द प्लेटो ऑफ जाट्स, प्लेटो ऑफ जाट्स जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सूरजमल, सूरजमल को ही जो है प्लेटो ऑफ जाट्स कहा जाता है और इन्हीं का टाइटल है राजेंद्र जो मुगल एम्परर के द्वारा दिया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज बता देता हूँ, इनिशियली जो कैपिटल था जाट का वो कहाँ पे था, डीग में था, ठीक, बाद में कैपिटल कहाँ चेंज कर दिया गया तो भरतपुर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड ए परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत इन द ईयर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना एक अस्थायी फैक्ट्री सूरत में कौन से साल में स्थापित किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1613, 1613 ईस्वी में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, ड्यूरिंग विच मुगल एम्परर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, कौन से मुगल एम्परर के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपना पहला फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया था इंडिया में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जहांगीर, जहांगीर के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपना पहला फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया था इंडिया में। और ये कब किया था, तो ये 1613 ईस्वी में किया था, कहाँ पे, सूरत में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम, वेयर आर द ट्रेसेज ऑफ पोर्टुगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया, पुर्तगाली जो संस्कृति है उसका अवशेष इंडिया में किस जगह पे पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा, गोवा में जो है पोर्टुगीज कल्चर यानी कि पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया, इनमें से कौन सा फ्रेंच सेटलमेंट नहीं था इंडिया में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा, गोवा जो था वो फ्रेंच सेटलमेंट नहीं था, गोवा कौन सा सेटलमेंट था, तो पोर्टुगीज का सेटलमेंट था, पुर्तगाली सेटलमेंट था। और बाकी जो ये तीन है, पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर, ये तीनों जो थे वो क्या थे, फ्रेंच सेटलमेंट थे। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं हम, Who was the first Governor General of Bengal? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वैरन हेस्टिंग, वैरन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, और पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव।
और एक चीज इसमें है, अगर आपसे पूछे कि लास्ट गवर्नर कौन था बंगाल का, तो भी था कौन, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो था वो लास्ट गवर्नर था कहाँ का, बंगाल का, और यही जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना बंगाल का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन काफी होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। हु वेयर द फर्स्ट यूरोपियंस टू रीच इंडिया फॉर ट्रेड, पहले यूरोपियंस कौन थे जो इंडिया में पहुंचे थे ट्रेड के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पोर्टुग्यूज। पोर्टुग्यूज यानी कि पुर्तगाली जो थे वो पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया में पहुंचे थे ट्रेड के लिए। और कौन सबसे पहले आया था भारत, तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है वो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हम। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी भारत में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1664। 1664 ईस्वी में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हम। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड इन, जो प्रशासन था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में वो कब जो है समाप्त हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1858। 1858 ईस्वी में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन जो है वो इंडिया में टोटली समाप्त हो गया। और ये कब हुआ, तो ये 1 नवंबर 1858 को जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन इंडिया से समाप्त हो गया और इंडिया का प्रशासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में डायरेक्ट चला गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हम। द बैटल ऑफ वांडी वॉज फाउट बिटवीन, बैटल ऑफ वांडी वॉज जो हुआ था वो किनके बीच में लड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लिश एंड फ्रेंच, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में जो है बैटल ऑफ वांडी वॉज लड़ा गया था और ये 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा। और बैटल ऑफ वांडी वॉज में इंग्लिश की तरफ से यानी अंग्रेजों की तरफ से सर अय्यर कोटे ने लड़ा था और फ्रेंच की तरफ से कॉम्टे डी लैली ने लड़ा था। और इसमें जो है अंग्रेज जीत गए थे और अंग्रेजों ने जो है पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया था। और कब किया था, 1761 ईस्वी में जो है पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया गया था। तो ये फैक्ट्स भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। बॉम्बे वॉज एक्वायर्ड बाई द इंग्लिश फ्रॉम पोर्टुग्यूज इन द ईयर, बॉम्बे जो है अंग्रेजों के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था पुर्तगालियों से कौन से साल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1662। 1662 ईस्वी में जो है बॉम्बे को एक्वायर कर लिया गया था इंग्लिश के द्वारा पुर्तगालियों से। और बॉम्बे जो है अंग्रेजों को दहेज में दिया गया था। इसमें क्या हुआ था कि चार्ल्स टू जो ब्रिटिशर्स थे उनकी शादी कैथरीन से हुई थी और कैथरीन कौन थी, ये पुर्तगाली थी जो किंग जॉन फोर की बेटी थी। तो इनके बीच में शादी हुआ था, चार्ल्स टू और कैथरीन के बीच में। और जो है अंग्रेजों को बॉम्बे एज ए डोरी मिला था, मतलब दहेज के रूप में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स फर्स्ट केम टू इंडिया, मुगल शासन काल में इनमें से पहले ट्रेडर्स कौन थे जो भारत आए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लिश। अंग्रेज जो थे वो पहले ऐसे यूरोपियन ट्रेडर्स थे जो मुगल शासन काल में भारत आए थे। पोर्टुग्यूज, पुर्तगाली और डच जो है उससे पहले आ गए थे, लेकिन ये मुगल शासन काल में नहीं आए थे, उससे पहले आ गए थे ये। मुगल शासन काल में अगर पूछे तो इंग्लिश जो है, अंग्रेज जो है वो सबसे पहले भारत आए थे। यूरोपियन ट्रेडर का भारत आने का जो सीरीज है वो है PDBF, ये ध्यान रखिएगा। पी से पुर्तगाली पहले भारत आए थे, फिर डच आए, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद फ्रेंच जो है सबसे लास्ट में आया। इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। PDF आपने सुना होगा, PDF फाइल, ये सब जो होते हैं कंप्यूटर में, तो उसमें क्या है आप ध्यान रखिएगा कि ये बीच में जो है बी आ जाता है, बस इससे आपको ध्यान रखिएगा, PDF और बीच में बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टेब्लिश फ्रेंच फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, किसने परमिशन दिया था फ्रेंच को अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए मसूलीपट्टनम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्दुल्ला खुतुब शाह। अब्दुल्ला खुतुब शाह ने जो है वो परमिशन दिया था फ्रेंच को अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए मसूलीपट्टनम में। और अब्दुल्ला खुतुब शाह कौन थे, तो ये 7th रूलर थे कहाँ के, गोलकोंडा के। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया इन विच ईयर, वास्को डी गामा ने इंडिया के लिए सी रूट डिस्कवर किया था, उसकी खोज की थी कौन से साल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1498। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के लिए सी रूट की जो है खोज की थी। और वास्को डी गामा जो है इंडिया कब आया था, तो ये 20 मई 1498 को
इंडिया पहुंचा था और ये कहाँ पे लैंड किया था, तो कैलीकट में लैंड किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि वास्को डिगामा कितनी बार इंडिया आया था, तो वास्को डिगामा जो है 3 बार इंडिया आया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हम, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डच फैक्ट्री वॉज लोकेटेड, डच का जो फैक्ट्री है वो कौन से प्लेस पे लोकेटेड था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में जो है वो डच फैक्ट्री लोकेटेड था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इंडेड बाय, जो ट्रेड मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या होता है, व्यापार में एकाधिकार, तो वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का कब खत्म हो गया था टोटली, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट आया था 1833 ईस्वी में, उसमें जो है ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी का टोटली खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, इन 1717 विच मुगल एम्परर इशू दस्तक पास टू ईस्ट इंडिया कंपनी, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल शासक ने दस्तक पास इशू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फरूख सैयर, फरूख सैयर ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक पास इशू किया था 1717 ईस्वी में। और दस्तक पास क्या था, तो दस्तक पास से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेड कर सकता था बिना कोई कस्टम ड्यूटी पे किए, तो इसी को जो है दस्तक पास कहा जाता था कि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो बंगाल में हो रहा था और कस्टम ड्यूटी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पे नहीं करना पड़ रहा था। और ये पास जो है वो फरूख सैयर के द्वारा जो है इशू किया गया था अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम, हु ग्रांटेड परमिशन टू एस्टेब्लिश फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री एट हुगली इन बंगाल, किसने जो है परमिशन दिया था अंग्रेजों को पहला ब्रिटिश फैक्ट्री खोलने के लिए कहां पे, हुगली में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शाह सुजा, शाह सुजा ने जो है वो परमिशन दिया था पहला ब्रिटिश फैक्ट्री खोलने के लिए कहाँ पे, हुगली में। और ये कब दिया था परमिशन इसने, तो 1651 में दिया था। और ब्रिटिश फैक्ट्री खोलने से पहले वहाँ पे जो है पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगालियों का फैक्ट्री था और पुर्तगालियों ने जो है हुगली में अपना फैक्ट्री 1632 ईस्वी में बनाया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ कि शाह सुजा कौन था, तो शाह सुजा जो है गवर्नर था उस समय बंगाल का और ये जो है शाहजहां का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम, हु वाज फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा जो था वो कौन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पोर्टुगीज वायसराय, पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। और फ्रांसिस्को डे अल्मेडा जो है वो कब तक वायसराय रहा था, तो ये 1505 ईस्वी में वायसराय बना था और 1509 ईस्वी तक ये वायसराय रहा था। और इसने एक पॉलिसी लाई थी जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत जो है ये इंडियन ओशियन पे जो है पूरा कब्जा करना चाहते थे पोर्टुगीज पुर्तगाली, तो ये पॉलिसी भी ध्यान रखिएगा, ये फ्रांसिस्को डे अल्मेडा के द्वारा ही लाया गया था। और एक चीज मैं इसमें आपको बता देता हूँ, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा जो था ये पहला पोर्टुगीज वायसराय था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम, विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पोर्टुगीज एट स्वैली, इनमें से कौन सा ऐसा ब्रिटिश ऑफिशियल है जिसने पोर्टुगीज यानी पुर्तगालियों को हराया था बैटल ऑफ स्वैली में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल था जो बैटल ऑफ स्वैली लड़ा था पोर्टुगीज के साथ और इनको हराया था। और बैटल ऑफ स्वैली जो था ये एक नेवी वार था, ठीक, और ये कब हुआ था, तो ये 1612 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा डेट को। और स्वैली कहाँ पे है, तो स्वैली सूरत में है, सूरत गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम, विच वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वार, पहला जो कार्नेटिक वार हुआ था, कार्नेटिक वार किसे कहते हैं, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में जो वार होते थे उसे ही कार्नेटिक वार कहा जाता है, तो पहला जो कार्नेटिक वार हुआ था उसका इमीडिएट कॉज जो है वो क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के द्वारा फ्रेंच शिप पे कब्जा कर लिया गया था और वही जो था इमीडिएट कॉज था पहला कार्नेटिक वार का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वायसराय इन इंडिया, पहला पुर्तगाली वायसराय इंडिया में जो था वो कौन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, मैंने आपको अभी बता दिया था ये कि फ्रांसिस्को डे अल्मेडा जो था वो पहला पोर्टुगीज वायसराय था इंडिया में, और ये कब से कब तक रहा था वायसराय, तो 1505 ईस्वी से लेके 1509 ईस्वी तक रहा था, और ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी इसकी ही पॉलिसी थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम, हु हैड ग्रांटेड दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी, किसने जो है दीवानी राइट्स दे दिए थे बंगाल बिहार और उड़ीसा के ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय ने जो है
वो दीवानी राइट्स दे दिए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट टू कलेक्ट टैक्सेज, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ये राइट हो गया था कि आप जो है टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। ये कब हुआ था? तो ये 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है 1765 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुआ था, अलाहाबाद की संधि हुई थी, और इसी में जो है शाह आलम द्वितीय ने दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हम। Among the following factories in Bengal, one established by Portuguese. बंगाल के ये जो फैक्ट्रीज हैं उनमें से कौन जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हुगली। हुगली में जो फैक्ट्री है वो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये 1632 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और अंग्रेजों ने भी जो है हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन ये कब किए थे? 1651 ईस्वी में। तो ये डेट याद रखिएगा दोनों का। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। हु आर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। कौन से थे पहले यूरोपियन जिन्होंने सी ट्रेड सेंटर जो है इंडिया में स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोर्टुगीज। पोर्टुगीज जो थे वो पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने सी ट्रेड सेंटर जो है इंडिया में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। कौन सा इंग्लिश गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसे औरंगजेब ने जो है एक्सपेल्ड कर दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड जो था वो इंग्लिश गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसे औरंगजेब ने जो है एक्सपेल्ड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। द इंग्लिश ओपेंड दियर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम इन। अंग्रेजों ने जो है पहला अपना फैक्ट्री साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम में खोला था, वो कब खोला था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1613। 1613 ईस्वी में जो है पहला फैक्ट्री साउथ इंडिया में खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा मसूलीपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपेंड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट। ईस्टर्न इंडिया में इंग्लिश कंपनी जो है वो अपना पहला फैक्ट्री जो है कहाँ पे खोले थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। ईस्टर्न इंडिया में इंग्लिश कंपनी के द्वारा पहला फैक्ट्री जो है वो उड़ीसा में खोला गया था, और ये कब खोला गया था? तो 1633 ईस्वी में, 1633 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेसिस द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन द ईयर। डुप्लेसिस के लीडरशिप में फ्रेंच ने जो है मद्रास पे कब कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1746। 1746 ईस्वी में डुप्लेसिस के लीडरशिप में फ्रेंच ने जो है मद्रास पे कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। विच वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाई द ब्रिटिश इन इंडिया। इंडिया में जो है पहला किला ब्रिटिशर्स के द्वारा कौन सा जो है वो कंस्ट्रक्ट कराया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वो पहला किला था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनवाया गया था, और ये कहाँ पे लोकेटेड था? तो मद्रास में। और ये जो फोर्ट सेंट विलियम्स था ये कहाँ पे लोकेटेड था? तो ये कोलकाता में लोकेटेड था, बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। विच यूरोपियंस वेयर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर। इनमें से कौन सा यूरोपियंस थे जो सबसे लास्ट आए थे इंडिया में एज ए ट्रेडर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच। फ्रेंच जो थे वो सबसे लास्ट आए थे इंडिया में एज ए ट्रेडर। मैंने आपको इसका ट्रिक बता दिया है, ध्यान रखिएगा PDF, और यहाँ पे बी आता है बीच में, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। ये जो है सीरीज है यूरोपियंस का भारत में आने का एज ए ट्रेडर। कबीर वाज द डिसाइपल ऑफ। कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रामानंद। रामानंद जो थे उनके शिष्य थे कबीर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। हु इस्टेब्लिश द फोर मठ इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। किसने जो है चार मठ की स्थापना की चारों इंडिया के कॉर्नर में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य। शंकराचार्य ने जो है चार मठ की स्थापना की है इंडिया के चारों कॉर्नर में। तो ये जो चार मठ हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं वो देख लेते हैं हम इसमें। तो ईस्ट में जो है गोवर्धन मठ है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? पुरी उड़ीसा में। साउथ में कौन है? श्रद्धा पीठम है, श्रृंगेरी कर्नाटका में लोकेटेड है ये। वेस्ट में कौन है? द्वारका पीठ है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। और नॉर्थ में ज्योतिर्पीठ, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो ये चारों मठ को भी ध्यान रखिएगा, और कौन कहाँ पे लोकेटेड है ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। चैतन्य महाप्रभु बिलोंग टू विच रीजन। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो किस रीजन से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल। जो चैतन्य महाप्रभु थे वो बंगाल रीजन से बिलोंग करते थे, और चैतन्य महाप्रभु जो थे ये लॉर्ड कृष्णा के जो है डिवोटी थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम।
गुरु नानक बिलोंग टू विच रीजन, गुरु नानक जो थे वो किस रीजन से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब, गुरु नानक जो थे वो पंजाब रीजन से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हम, तुकाराम बिलोंग टू विच रीजन, तुकाराम जो थे वो किस रीजन से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र, तुकाराम जो थे वो महाराष्ट्र रीजन से बिलोंग करते थे। और ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सब सारे क्या हैं, भक्ति संत हैं, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि भक्ति आंदोलन हम पढ़ रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, शंकराचार्य बिलोंग टू विच रीजन, शंकराचार्य जो थे जिन्होंने चार मठ की स्थापना की थी इंडिया के चारों कॉर्नर में, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मालाबार, मालाबार से जो है ये बिलोंग करते थे। मालाबार कोस्ट जो है कहाँ पे है, केरला के आसपास है, ठीक ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, विच फिलोसफिकल सिस्टम वॉज फाउंडेड बाई बल्लभचार्य, बल्लभचार्य के द्वारा जो है कौन सा दार्शनिक प्रणाली जो है वो स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत जो था वो दार्शनिक प्रणाली जो है बल्लभचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था, हिंदी में इसे ऐसे लिखते हैं शुद्धाद्वैत। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, हुज फिलोसफी इज कॉल्ड अद्वैत, किसके दर्शन को जो है अद्वैत कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शंकराचार्य, शंकराचार्य के जो फिलोसफी है यानी जो उनका दर्शन है उसको अद्वैत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, ए कॉमन फीचर टू ऑल भक्ति संत वाज, जितने भी भक्ति संत हुए थे उनमें कॉमन विशेषता जो थी वो क्या थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंपोज दियर वर्सेज इन लैंग्वेज अंडरस्टूड बाई दियर फॉलोअर्स, मतलब जो उनके वर्सेज होते थे यानी जो उनके पोयम होते थे या जो वो शिक्षा देते थे वो ऐसे भाषा में देते थे कि जो उनके फॉलोअर्स थे उनको समझ में आ जाता था, मतलब जहाँ पे वो शिक्षा देते थे वहाँ के लोकल लैंग्वेज में ये ज़्यादातर कोशिश करते थे देने के लिए, ताकि जो है लोग जो उनसे जुड़ रहे थे उनको वो चीज़ें समझ में आ जाए, तो ये जो था कॉमन विशेषता था सारे भक्ति संत का, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम, भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, भक्ति आंदोलन जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रामानंद, रामानंद के द्वारा जो है वो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, और रामानंद जो थे वो राम अनुज के जो थे क्या थे, शिष्य थे, राम अनुज के शिष्य थे रामानंद, और रामानंद के शिष्य कौन थे, तो कबीर थे, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम, Who among the following was the संत ऑफ वारकारी सेक्ट, वारकारी पंथ का जो है कौन सा संत था इनमें से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नामदेव, नामदेव जो थे वो वारकारी पंथ से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम, मीराबाई वाज मैरिड टू, मीराबाई जो थी वो किससे उनका शादी हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भोजराज, मीराबाई की शादी जो है वो भोजराज से हुई थी, और ये जो थे प्रतिहार डायनेस्टी के राजा थे, प्रतिहार वंश के राजा थे, और मीराबाई जो थी ये मेवाड़ की राजकुमारी थी, ठीक, और ये राजा रतन सिंह की बेटी थी, तो ये ध्यान रखिएगा कि मीराबाई जो थी राजा रतन सिंह की बेटी थी और ये मेवाड़ की राजकुमारी थी, और इनका शादी भोजराज से हुआ था, और भोजराज जो था प्रतिहार वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम, Who was the Hindu son to have disciple both Hindus and Muslim? कौन से ऐसे हिंदू संत थे जिनके शिष्य जो हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्री चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे उनके जो शिष्य थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये बंगाल रीजन से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, टू विच प्रोफेशन नामदेव बिलोंग टू, नामदेव जो थे वो कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टेलर, नामदेव जो थे वो टेलर यानी कि दर्जी प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम, टू विच प्रोफेशन कबीर बिलोंग टू, कबीर जो थे वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वीवर, कबीर जो थे वीवर प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, और वीवर का मतलब क्या होता है, बुनकर। कबीर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, बनारस में हुआ था, और इनका जन्म हिंदू फैमिली में हुआ था, लेकिन इनका जो पालन पोषण हुआ था वो एक मुस्लिम वीवर फैमिली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, टू विच प्रोफेशन रविदास बिलोंग टू, रविदास जो थे वो कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कॉबलर, रविदास जो है वो कॉबलर यानी कि मोची प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम, टू विच प्रोफेशन भक्ति संत सेन बिलोंग टू, भक्ति संत सेन जो थे वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बार्बर, भक्ति संत सेन जो थे वो बार्बर प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम,
हु वॉज द फर्स्ट भक्ति संत टू यूज हिंदी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ हिज मैसेज। कौन से ऐसे पहले भक्ति संत थे जिन्होंने हिंदी का यूज किया था अपने मैसेज को फैलाने के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानंद। रामानंद जो थे ये पहले भक्ति संत थे जिन्होंने हिंदी का यूज किया था अपने मैसेज को फैलाने के लिए। और रामानंद जो थे वो किसके शिष्य थे? रामानुज के शिष्य थे ये, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। भक्त तुकाराम वाज ए कंटेम्प्ररी ऑफ विच मुगल एम्परर? भक्त तुकाराम जो थे वो किस मुगल एम्परर के समकालीन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। भक्त तुकाराम जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे, और जहांगीर कौन था? एक मुगल एम्परर था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। वेन वाज गुरु नानक बोर्न? गुरु नानक जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1469, 1469 ईस्वी में जो है गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। हु कंपोज बीजक? बीजक जो है वो किनके द्वारा कंपोज किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कबीर। बीजक जो है वो कबीर के द्वारा कंपोज किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। When was गुरु नानक डाइड? गुरु नानक की मृत्यु जो है वो कब हो गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1539, 1539 ईस्वी में गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। मीराबाई वाज ए डिसाइपल ऑफ? मीराबाई जो थी वो किनकी शिष्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु रविदास। गुरु रविदास की शिष्या थी मीराबाई, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। गीत गोविंद वाज कंपोज बाई? गीत गोविंद जो है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयदेव। जयदेव के द्वारा जो है वो गीत गोविंद कंपोज किया गया था। और गीत गोविंद जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जयदेव जो है कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये बंगाल रीजन से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सन वॉज कंटेम्प्ररी टू मराठा किंग शिवाजी? कौन सा ऐसा संत थे जो मराठा किंग शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु तुकाराम। गुरु तुकाराम जो थे वो मराठा किंग शिवाजी के समकालीन थे। और मराठा किंग शिवाजी के जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे रामदास। ये भी ध्यान रखिएगा, इनके गुरु थे रामदास। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को एक से दो बार देखिए, आपका सारा मेडिवल हिस्ट्री मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको मेडिवल हिस्ट्री से इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।